आप वहाँ बेंच पर बैठ जाइए, मैडम को आ जाने दीजिए, फिर आप जाइए। विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। नैना, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? अभी थोड़ी देर पहले तो उसने टीम लीडर के तौर पर ज्वाइनिंग की है और इतनी जल्दी यहाँ इन्वेस्टिगेट करने भी आ गई। विक्रांत इंटरोगेशन रूम के बाहर ही लगे बेंच पर जाकर बैठ गया। वो सोच में पड़ गया, आखिर ये नैना साजिद का इंटरोगेशन करने क्यों आ गई? कहीं उसको यहाँ किसी मकसद से तो नहीं भेजा गया है? अचानक ही उसका ट्रांसफर डीएन नगर ब्रांच पर हुआ है, वरना वो तुरंत साजिद को इंटरोगेट करने क्यों आती? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और भला नैना साजिद से क्या पूछताछ करेगी? उसे तो अभी ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। मैं तो मान लो साजिद का लाइट डिटेक्टर करने आया हूँ, और मुझे तो किडनैपिंग केस से लेकर मंजू के मर्डर केस तक हर चीज अच्छे से पता है, और मैं साजिद से इसी से रिलेटेड सवाल पूछने वाला हूँ। लेकिन वो भला साजिद से क्या पूछ रही होगी? विक्रांत ने अपना फोन निकाल कर टाइम देखा। टाइम देखकर उसने अंदाजा लगाया कि नैना को यहाँ आए बामुश्किल 5-7 मिनट ही हुए होंगे, तो उसने सोचा कि नैना का यहाँ बाहर ही थोड़ी देर इंतजार करना ठीक रहे। वैसे नैना का ख्याल आते ही विक्रांत के दिल की धड़कने तेज हो जाती है। वो नैना से बहुत सारी बातें करना चाहता है, उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वैसे ही वो विक्रांत के सामने आती है, उसे ना जाने क्या हो जाता है। उस वक्त वो बातें करने के बजाय नैना से लड़ने लग जाता है। अब नैना यहाँ मेरे ब्रांच में आई है, तो हो सकता है कि अब मैं उसके और करीब जा सकूं। क्या पता मेरी नैना के साथ जोड़ी बन जाए। इस तरह के ख्याल के साथ विक्रांत का दिल खिल उठा। तभी विक्रांत को ध्यान आया कि नैना यहाँ तुरंत ही आई है, इसका मतलब उसे लंच करने का भी टाइम नहीं मिला है। इस विचार के साथ ही विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोड वर्ड तूफान और पानी की याद आ गई। क्या पता पानी वाला कोड वर्ड नैना के लिए ही दिया गया हो। ये सोचकर तुरंत ही उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगर उसका ये प्लान काम कर गया तो फिर ना सिर्फ नैना और उसके बीच दोस्ती बढ़ेगी, बल्कि साजिद वाला काम भी आसानी से हो जाएगा। विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन निकालकर पिज्जा हट में फोन करके 2 सेट पिज्जा ऑर्डर कर दिया। बामुश्किल 15 मिनट के भीतर ही उसके पास पिज्जा की डिलीवरी होगी, और फिर इसके ठीक 8 मिनट बाद नैना भी इंटरोगेशन रूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही जब उसने विक्रांत को सामने बेंच पर बैठे देखा तो वो शॉक्ड रह गई। तो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? नैना ने गुस्से से भरे लहजे में कहा। ए, मुझे पता था कि तुम सबसे पहले मुझसे यही सवाल करोगे, विक्रांत ने पिज्जा का एक पैक उसके आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन नैना उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। फिर विक्रांत भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन अगर मैं भी यही बात कहूँ तो? नैना ने बिना पीछे देखे ही पूछा। मतलब छोड़ो नैना, तुम बताओ, तुम्हें कुछ साजिश से नहीं पता चला ना, है ना? विक्रांत ने सवाल किया। अब नैना के कदम रुक गए, वो ठहर कर विक्रांत की बात सुनने लगी। देखो नैना, तुम्हें याद है ना मैंने नितेश से कैसे पूछताछ की थी? मैं अपने सारे सवाल रेडी करके आया हूँ, सोचो हम साथ में उसे इंटरोगेट करेंगे तो पक्का है जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा। विक्रांत की ये बात सुनकर नैना पीछे पलट गई और वो विक्रांत की तरफ देखने लगी। वैसे उसे विक्रांत की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, उसने पहले भी विक्रांत को इंटरोगेट करते देखा है। ये हुई ना बात, विक्रांत ने उसकी तरफ पिज्जा का पैक बढ़ाते हुए कहा, पहले इसे खा लेते हैं फिर काम शुरू करते हैं। नैना को विक्रांत की बातों से कोई विशेष आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो खुद विक्रांत के इंटरोगेशन के तरीके को देखना चाहती थी। सो पहले दोनों ने फटाफट पिज्जा खत्म किया और फिर वो साथ में ही इंटरोगेशन रूम में गए। वहाँ इंटरोगेशन रूम में अभी तक साजिद बैठा हुआ था। चूंकि नैना के बाद विक्रांत को भी उससे इंटरोगेट करना था, तो साजिद को दोबारा से उसके सेल में नहीं भेजा गया। साजिद का चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था, उसे काफी चोट लगी हुई थी और उसकी जांघों पर भी पट्टी लगी हुई थी। विक्रांत के साथ नैना को अपने सामने देख साजिद बौखला सा गया। ये इंटरोगेशन कब तक चलता रहेगा साहब? मैं सब कुछ सच सच बता चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक के बाद एक इंटरोगेट करने चले आ रहे हैं। आप लोग चाहते क्या हो? अगर आप लोग ऐसे करोगे तो फिर मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। और मैडम आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही मुझसे पूछताछ करके गई थी ना, और फिर से आ गई, और आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? साजिद की बातें सुनकर नैना का पारा काफी हाई हो गया था। वो चलकर साजिद के पास पहुंची और फिर उसकी जांघों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे पैर से खून कैसे बह रहा है? खून? कहाँ खून? साजिद चौंककर नीचे अपने पैरों पर देखने लगता है। इसी बीच नैना के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे को जाकर डिफ्यूज कर दिया, फिर आकर साजिद के करीब खड़ी हो गई। दिखा खून तुम्हें? ना ना, नहीं तो कहाँ है खून? साजिद ने आश्चर्य से पूछा। विक्रांत समझ गया था कि नैना अभी क्या करने की सोच रही है। वो तुरंत उठकर भागते हुए नैना के करीब पहुंचा और उसे पकड़कर साजिद से दूर ले जाने लगा। नहीं नैना, रुको। अब जाकर साजिद को समझ में आया कि नैना उस पर अटैक करने वाली थी। ये बात उसे अच्छे से पता थी। अभी उसके पैर का घाव भरा नहीं और नैना का एक ही प्रहार उसे आराम से महीने भर के लिए अस्पताल पहुंचा देगा। तुम लोग चाहते क्या हो? क्या मुझे मारकर सब कुछ कबूल करवाना चाहते हो? ऐसे जबरदस्ती में मैं कोई बयान नहीं दूंगा, तुम चाहे मुझे मार ही क्यों ना दो। चुप चुप,
बिल्कुल चुप हो जा, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, विक्रांत ने साजिद को जोर से फटकारते हुए कहा। साजिद की आवाज सुन नैना और अग्रेसिव हो गई और वो पूरी ताकत से खुद को विक्रांत की पकड़ से छुड़ाकर साजिद पर अटैक करना चाहती थी। नैना प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ ना, प्लीज नैना प्लीज काम डाउन। इसे कुछ हो गया तो हमें फिर से इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, विक्रांत किसी तरह से नैना को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी साजिद पीछे से फिर से बोल पड़ा, तुमने ही तो मेरे पैर में गोली मारी थी ना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, एक बार मेरा लॉयर आ जाए फिर बताता हूँ, कोर्ट में जाकर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तुम दोनों के ऊपर केस करूंगा मैं। अब तो साजिद ने भी हद कर दी थी, उसकी बातों ने विक्रांत का खून खौला दिया। विक्रांत बिना कुछ सोचे समझे जोर से लात उठाकर साजिद की जांघों पर मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी नैना ने फुर्ती दिखाते हुए उसे पीछे धकेल दिया जिससे साजिद की टांग बच गई। लेकिन फिर भी विक्रांत का पैर साजिद की जांघ पर लगी पट्टी से हल्का सा टकरा गया और वहां से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया। साजिद दर्द से चीख उठा। विक्रांत को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी सॉरी, एक मिनट नैना मैडम, आप शांत होकर बैठ जाइए, मैं भी बैठ जाता हूँ। विक्रांत और नैना अब शांत होकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। साजिद भी डरा सहमा हुआ उन दोनों के सामने बैठा हुआ था, अब उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो अब शुरू करें मैडम, विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। फिर उसने हल्का खराश लेकर अपना गला साफ किया और साजिद की तरफ देखकर बोला, देखो साजिद मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों का इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है, हम यहाँ तुमसे जबरदस्ती कोई बयान लेने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ बस इसलिए आए हैं ताकि सच सामने आ सके, अब अगर तुमने सच में कोई मर्डर नहीं किया है तो फिर हम तुम्हें सजा नहीं होने देंगे, तो एक तरह से ये समझ लो कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए ही आए, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, समझे तुम। विक्रांत की बात तुरंत ही साजिद की समझ में आ गई, उसने थोड़े कंफ्यूजन के साथ विक्रांत को जवाब दिया, साहब मैं तो आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि मैंने मंजू मैडम का मर्डर किया था या नहीं, आप भला कैसे जान सकते हैं। पता है मुझे, विक्रांत ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। देखो साजिद, मैं प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट हूँ, मतलब मैं लोगों को अपने वश में कर लेता हूँ और उनके मन की बात जान सकता हूँ, तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरे सभी सवालों का ढंग से जवाब दो, फिर मैं सब सच सच बता सकता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। विक्रांत की बात सुनकर नैना उसकी तरफ हैरानी से भरी नजरों से देखने लगी, ये आदमी कितनी सफाई से झूठ बोलता है, हे भगवान। साजिद भी इस वक्त विक्रांत की तरफ हैरानी से देख रहा था। हिप्नोटिस्ट मतलब? विक्रांत ने साजिद को विश्वास में लेने के लिए आगे बोला, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें कैसे पकड़ा था। साजिद सोच में पड़ गया, अभी भी उसे अच्छे से याद था कि उस रात विक्रांत उसे नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ एक साइकिल उसकी तरफ चली आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या। विक्रांत उसके हाव भाव से ही समझ गया कि साजिद के दिमाग में क्या चल रहा है, उसने साजिद के बिना कुछ पूछे ही उससे कहा, हाँ उस रात मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था, तभी तुम मुझे नहीं देख पा रहे थे, अब विश्वास हुआ तुम्हें। अब जाकर साजिद को भी विक्रांत की बात पर पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन अब वो इस बात से और ज्यादा डर गया था कि अगर कहीं सच में उसके हाथों से मंजू का मर्डर हुआ होगा तो फिर उसका बचना मुश्किल है। ए, विक्रांत ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ, तुम बस मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना, और हाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ गलत आंसर भी दे दोगे तो भी कोई बात नहीं। हाँ क्या? साजिद पूरी तरह से सन्न रह गया, उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रांत के साइड में बैठी नैना भी सारा सीन बड़े ध्यान से देख रही थी, उसे विक्रांत के इंटरोगेशन का तरीका अच्छे से पता था, वो बस आराम से बैठकर शो को एंजॉय कर रही थी। अच्छा रुको रुको, पहले एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर सब क्लियर हो जाएगा तुम्हें, विक्रांत ने कहा। तुम मेल हो या फीमेल? विक्रांत ने सवाल किया। हाँ, साजिद ने जवाब दिया। तुम फीमेल हो? नहीं, साजिद ने जवाब दिया। तुम गे हो? विक्रांत ने सवाल किया। इस तरह के दो तीन सवाल करने के बाद विक्रांत अब लाइट डिटेक्टर मशीन को ऑन करके इंटरोगेशन शुरू करने लग गया। इस वक्त विक्रांत को थोड़ा रिग्रेट भी फील हो रहा था, दरअसल वो इस लाइट डिटेक्टर को किडनैपिंग केस के मुजरिम से पूछताछ करने के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी वश इसे अभी ही इस्तेमाल करना पड़ रहा था। लाइट डिटेक्टर ऑन करने के बाद विक्रांत ने साजिद से पहला सवाल किया, साजिद क्या तुमने मंजू सचदेवा का मर्डर किया? नहीं, साजिद ने जवाब दिया, और इसके साथ ही विक्रांत के दिमाग में हरे रंग की लाइट जल उठी। ओ, विक्रांत सोच में पड़ गया,
यानी कि मेरा शक सही था, साजिद ने सच में मंजू का मर्डर नहीं किया है, यानी कि उस रात वहाँ कोई और भी था। अगर तुमने नहीं किया तो ये कौन हो सकता है, किसने मर्डर किया है? विक्रांत का ये सवाल सुनकर साजिद सोच में पड़ गया। सर, इसका मैं हाँ या ना में कैसे जवाब दूं? मुझे पता नहीं, साजिद ने जवाब दिया, लेकिन इस जवाब के साथ विक्रांत के लाई डिटेक्टर ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद ये मशीन सिर्फ सीधे सवालों को ही चेक कर पाती है, इसलिए विक्रांत ने सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि मंजू सचदेवा का मर्डर किसने किया? नहीं। फिर से हरी लाइट जल उठी, यानी कि साजिद सच बोल रहा है, ना तो उसने मंजू का मर्डर किया और ना ही उसे पता है कि मंजू का मर्डरर कौन है। अब विक्रांत सोच में पड़ गया, ये सब उसकी उम्मीद से बाहर था। पहले उसे लगा था कि हो सकता है साजिद को पता हो कि मंजू का मर्डरर कौन है, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। अब विक्रांत के दिमाग में एक और सवाल आया, ये सवाल जहां तक है सब कुछ क्लियर कर देगा। विक्रांत ने फिर से साजिद से पूछा, अच्छा क्या मंजू के मर्डर का रिलेशन 1994 के किडनैपिंग केस से है? जब विक्रांत ने 1994 के किडनैपिंग केस का नाम लिया तब साजिद को थोड़ी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत उससे ये सवाल क्यों कर रहा है। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी हाँ या ना में उत्तर दो, विक्रांत ने कहा। नहीं, हाँ हाँ, साजिद ने हड़बड़ाते हुए कहा। विक्रांत के लाइट डिटेक्टर में इस जवाब पर कोई डिसीजन नहीं दिया। शिट यार, विक्रांत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसे इतना समझ में आ गया था कि ये लाई डिटेक्टर ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा जो कि किसी ऐसे इंसान से पूछा गया हो जिसका उस सवाल से कोई लेना देना ना हो। विक्रांत को पहले लगा था कि लाई डिटेक्टर मशीन हर तरह के सवाल पर अपना डिसीजन दे सकती है, इसलिए अभी उसे थोड़ा दुख हुआ, यानी कि अब विक्रांत किसी भी रेंडम आदमी के साथ लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकता। विक्रांत जिस तरह के सवाल तैयार करके लाया था वो सब बेकार हो चुके थे। उधर साजिद भी काफी हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ये किस तरह का इंटरोगेशन कर रहा है। उसने डरते हुए विक्रांत से सवाल किया, सर हो गया इंटरोगेशन? चुप करो, शांति से बैठे रहो, जितना पूछा जा रहा है बस उतना जवाब दो। विक्रांत अभी हार नहीं मानने वाला था। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारा 1994 के किडनैपिंग केस से कुछ कनेक्शन है? नहीं। हरी लाइट जल उठी, फिर से विक्रांत को झटका लगा। अब तक एक एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि साजिद का ना तो मंजू के मर्डर से कोई कनेक्शन था और ना ही 1994 के किडनैपिंग केस से। तो फिर जिस आदमी ने मंजू का मर्डर किया है क्या उसका रिलेशन 1994 के किडनैपिंग केस से भी है? विक्रांत फिर से रैंडम सवाल करके लाई डिटेक्टर टेस्ट को परखने की कोशिश कर रहा था। हाँ हाँ, साजिद ने जवाब दिया। उसे लग रहा था कि शायद इससे उसके ऊपर लगा इल्जाम हट सकता है। फिर से विक्रांत के लाई डिटेक्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रांत को चिढ़ मच रही थी। एक बार के लिए तो उसे ये भी शक होने लगा था कि ये मशीन सही भी है या नहीं। उसने अपने सामने रखे नोटबुक को भी बंद करके साइड में रख दिया। कुछ पल तक विक्रांत सोचता रहा और फिर उसने अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ क्या तुम मंजू सचदेवा के मर्डर केस में जानबूझकर फंसाए गए हो? हाँ हाँ हाँ, साजिद ने तुरंत ही जवाब दिया और फिर तुरंत ही विक्रांत के दिमाग में हरी लाइट जल उठी, यानी कि साजिद सच बोल रहा है। अच्छा क्या उस रात तुम शराब और ड्रग्स के नशे में थे? विक्रांत ने सवाल किया। हाँ। फिर से हरी लाइट जल उठी, क्या तुम मंजू के मर्डर वाले प्लेस पर अकेले गए थे? पता नहीं, साजिद के मुंह से निकल पड़ा। इस जवाब के साथ ही विक्रांत के दिमाग में लाल लाइट जल उठी, यानी कि साजिद गलत बोल रहा है, वो मंजू के मर्डर प्लेस पर अकेले नहीं गया था, उसके साथ कोई और भी था। अब विक्रांत ये जानना चाहता था कि साजिद मर्डर प्लेस तक कैसे पहुंचा था, लेकिन लाइट डिटेक्टर मशीन सिर्फ हाँ या ना वाले जवाब पर ही रिएक्ट करती है, इसलिए विक्रांत ने सवाल को थोड़ा घुमाकर पूछा, क्या मंजू का मर्डर गाड़ी को खुद ही ड्राइव करता हुआ तुम्हें वहां ले गया था? हाँ। हरी लाइट जल उठी, विक्रांत को थोड़ी खुशी हुई। क्या मंजू के मर्डर के वक्त तुम होश में नहीं थे? उसने आगे सवाल पूछा। हाँ। हरी लाइट जल उठी, फिर आगे विक्रांत ने पूछा, क्या मंजू का मर्डर कोई मेल था? क्या? साजिद सोच में पड़ गया, ये भला मुझे कैसे पता होगा, लेकिन फिर उसने अपने जवाब देने के क्राइटेरिया का याद आया तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे दिया, हाँ। लेकिन इस जवाब पर लाइट डिटेक्टर मशीन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि साजिद उस वक्त बेहोश था और उसका मंजू के मर्डर से कोई कनेक्शन भी नहीं था। हो सकता है उस वजह से मशीन ने कोई रिएक्शन ना दिया हो, लेकिन फिर भी मशीन को रिएक्शन तो देना चाहिए था ना, आखिर साजिद तो मर्डर प्लेस पर ही मौजूद था। विक्रांत हैरत में पड़ गया, वो कंफ्यूज हो रहा था। तभी उसके बगल में बैठी नैना ने विक्रांत के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर विक्रांत ने साजिद की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा साजिद ये बताओ मंजू का मर्डर एक आदमी ने किया था ना? नहीं, साजिद ने जवाब दिया, लेकिन इस बार भी मशीन में कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर विक्रांत को लगा कि शायद उसने सही से और स्पष्ट आवाज में सवाल नहीं किया, इसलिए मशीन ने रिएक्शन नहीं दिया। विक्रांत ने दोबारा से थोड़ी स्पष्ट आवाज में सवाल किया, मंजू का मर्डर एक से अधिक लोगों ने मिलकर किया है? हाँ। इस बार साजिद के जवाब के साथ ही हरी लाइट जल उठी, यानी कि मंजू का मर्डर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है, ये कंफर्म हो चुका है।
फिर विक्रांत ने पूछा, तो क्या कुल मंजू का मर्डर दो लोगों ने मिलकर किया? हाँ, साजिद ने जवाब दिया। फिर तुरंत लाल बत्ती जल उठी। विक्रांत ने थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने पूछा, क्या मंजू का मर्डर तीन लोगों ने मिलकर किया? हाँ, लाल बत्ती जल उठी। चार लोगों ने मारा था मंजू को? हाँ, लाल बत्ती जल उठी। पांच लोगों ने मिलकर मारा था? हाँ, फिर से लाल लाइट जल उठी। विक्रांत बिल्कुल हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया, कितने लोगों की गैंगरो होगी? एक लेडी ऑफिसर को मारने के लिए कितने लोग आए थे? मंजू के मर्डर में छह लोग शामिल थे? विक्रांत ने फिर से सवाल किया। हाँ, फिर से साजिद के जवाब के साथ लाल लाइट जल उठी। विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसने सवाल किया, क्या मंजू को 10 से ज्यादा लोगों ने मिलकर मारा था? हाँ, अब तक लाइट डिटेक्टर मशीन का टाइम आउट हो चुका था। और इस जवाब पर बिना कोई रिएक्शन दिए ही विक्रांत के दिमाग में जल रही लाल और हरी लाइट गायब हो चुकी थी। विक्रांत ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक दिया। शिट 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 यार, विक्रांत ने गुस्से में आकर टेबल पर जोर से लात भी मार दी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। पता चल गया मुझे, मुझे मेरे सवाल का जवाब पता है। इतना कहते हुए विक्रांत वहां से उठकर गेट की तरफ बढ़ चला। क्या जवाब, क्या पता लग गया तुम्हें? नैना ने अपने सवाल के साथ उसे रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि अभी तो इंटरोगेशन शुरू ही हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, और इसने तो बस कुछ कैजुअल से सवाल ही पूछे। लेकिन विक्रांत बिना कुछ जवाब दिए ही कमरे से बाहर निकल गया। नैना भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। क्या पता चल गया, क्या पता चल गया विक्रांत, बताओगे? रुको, नैना ने तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए विक्रांत को रोक लिया। नैना, तुम जानती हो ना, ऐसे ही मैंने नितेश को भी इंटेरोगेट किया था और उस टाइम भी मैंने बहुत सारे क्लू इकट्ठा कर लिए थे। इस बार भी यही हुआ, मुझे अब काफी कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है तुम्हें, बताओगे? बताओगे अब, क्या साजिद को सही में इस मर्डर केस में फंसाया जा रहा है, बोलो? विक्रांत मिस्टीरियस सी हंसी हंसने लगा। ए विक्रांत, मैं ये फालतू का ड्रामा बंद करो। तुमने अभी साजिद से सिर्फ नॉर्मल सवाल ही पूछे, उससे तुम्हें क्या लगा ये बताओ मुझे। विक्रांत ने फिर से हल्की हंसी के साथ कहा, क्या लगा मुझे? नैना, मैं सच कहूं तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती? बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और जो है साफ साफ बोलो, नैना ने विक्रांत को थोड़ी सख्त नजरों से देखते हुए कहा। पता है नैना, मुझे साजिद को इंटेरोगेट करने आए पहले तुम्हें इंटेरोगेट करना था। नैना सन रहेगी, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या जवाब दे। कुछ पल शांत रहने के बाद नैना ने पूछा, मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझी नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें, विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन तुम, खैर छोड़ो। सीधी सी बात यह है नैना कि मैं यहाँ पर साजिद को इंटेरोगेट करने इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था कि उसका 1994 के किडनैपिंग केस से कुछ कनेक्शन है। मैं वही सब पता करने के लिए आया हुआ था। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारा क्या मकसद था? ओ, नैना विक्रांत की बातों का मतलब समझ चुकी थी इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने विक्रांत को ही बोलने का सारा मौका दिया। देखो नैना, हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तुम्हारे मन में जो था मुझे पहले ही बता देती, क्या पता मैं फिर साजिद को और अच्छे से इंटेरोगेट कर पाता। विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए नैना के और करीब जाकर खड़ा हो गया। नैना, तुम मुझे जानती हो, तुम्हें मेरी एबिलिटी का भी पता है, तो फिर अब ऐसे चोरी छुपे एक दूसरे को स्टॉक क्यों करना है? और अब तुम यहाँ मेरे ब्रांच पर आ चुकी हो, मैं यहाँ तुम्हारी काफी मदद भी कर सकता हूँ। नैना अभी चुपचाप खड़ी होकर विक्रांत की सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की धूप पड़ रही थी जिससे नैना की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर सामने आ रही थी। देखो नैना, हम दोनों गोल्डन कपल लगते हैं, देखो ना हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है। अब क्या छुपाना यार, जो भी बात है वो सच सच बोल दो, विक्रांत ने कहा। गोल्डन कपल? सच? सच सुनना चाहते हो तुम? नैना ने कहा। हाँ नैना, हाँ, जो सच है वो दिल खोल के बोल दो। विक्रांत नैना के आगे अपनी बाहें फैलाकर फिल्मी हीरो की तरह खड़ा हो गया। सच ये है कि तुम पहले अपने टकले पर हाथ फिराओ, नैना ने विक्रांत के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विक्रांत ने जैसे सिर पर हाथ फिराया उसे कुछ गीला गीला सा लगा। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वहां पर हवा में कुछ कौवे उड़ रहे थे। जेल के बाहर आने के बाद इस वक्त विक्रांत नैना के साथ उसकी व्हाइट कलर की पजेरो में बैठा हुआ था। विक्रांत के गाड़ी में बैठते ही नैना ने उसकी पूरी तलाशी ली। उसका शक था कि कहीं विक्रांत कोई ऐसी चीज ना लेकर बैठा हो जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे। सीरियसली नैना, तुम मेरी तलाशी ले रहे हो? हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं यार, और अब तो एक ही ब्रांच के ऑफिसर हैं, इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या? विक्रांत ने कहा। बिल्कुल नहीं, खास तौर पर तुम पर तो और भी नहीं, नैना ने जवाब दिया। और फिर वो विक्रांत के कपड़ों को खंगालने लगी। नैना, हम नॉर्मल पुलिस वाले हैं, कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है। कमाल है यार, विक्रांत कुछ भी कहे लेकिन जब नैना को पूरी तसल्ली होगी तब उसने तलाशी लेना बंद की। अब पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ, नैना ने विक्रांत से सवाल किया। ओ
ये पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी। अब थोड़ी देर पहले ही जब मैं साजिद को इंटेरोगेट कर रहा था तब तुमने ये शक जताया था कि मंजू के मर्डर में एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम कुछ छुपा रही हो। अच्छा, नैरा ने हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। और उससे भी पहले मुझे शक हो गया था, आज तुम भी डीएन नगर ब्रांच पर आई हो, आज ही तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है और तुरंत ही तुम साजिद को इंटेरोगेट करने चली आई। ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ ना कुछ बैक स्टोरी है, विक्रांत ने कहा। नैना विक्रांत के आईक्यू लेवल से पहले ही काफी प्रभावित थी और आज फिर विक्रांत ने साबित कर दिया कि उसका माइंड काफी शार्प है। नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, देखो विक्रांत, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें एज ए पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करती, जी करता है तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन तुम्हारे टैलेंट की बहुत कदर करती हूँ, ये भी मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। नैना की इस बात ने विक्रांत को मंजू की याद दिला दी। मरने के एक दिन पहले ही मंजू ने विक्रांत से ये बात बोली थी। ठीक है, नैना ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा, सुनो विक्रांत, मैं तुम्हें कुछ समझ कर ही ये अब बताने जा रही हूँ, और तुम किसी भी हालत में ये सब बातें बाहर मत आने देना, वरना हम बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। कैसी मुश्किल? विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मतलब जो मंजू मैडम के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। क्या ऐसा है क्या? फिर रहने दो, मत बताओ, मुझे नहीं जानना। विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। ये किडनैपिंग केस सॉल्व करने के बाद मुझे काफी पैसे मिलने वाले, मैं वो पैसे गंवाना नहीं चाहता। तुम रहने दो, मत बताओ मुझे, बाद में बताना मुझे। अब तुम बकवास बंद करो, तुमने पूछा है तो तुम्हें अब सुनना पड़ेगा, नैना ने विक्रांत का कॉलर पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा। मुझे यहाँ पर हायर अथॉरिटी द्वारा मंजू के मर्डर केस को सॉल्व करने की सीक्रेट मिशन पर भेजा गया, और हाँ, अब मंजू यहाँ काम कर रही थी, अब वो भी एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी। सो हायर अथॉरिटी को ये शक है कि मंजू का मर्डर उसी केस के चलते हुआ है, समझे मिस्टर विक्रांत? नैना ने अब विक्रांत का कॉलर छोड़ दिया। अब तुम समझे, तुम्हारा शक गलत था, मंजू के मर्डर का 1994 के किडनैपिंग केस से कोई लेना देना नहीं है। ऑलरेडी मंजू जिस केस पर काम कर रही थी वो उस किडनैपिंग केस से भी बड़ा और खतरनाक केस है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे अब कुछ मत बताओ, मुझे नहीं सुनना है, विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने कानों में उंगली भी डाली। नैना ने अपनी कोहनी से विक्रांत के गर्दन दबाते हुए कहा, अब जब तुम्हें मुझ पर शक हो ही गया है तो तुम्हें पूरी बात सुननी पड़ेगी विक्रांत। अब हमें बहुत सावधानी से काम करना है, हमेशा अलर्ट रहना है, किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक अलग से फोन भी दूंगी, हम नॉर्मल ऑफिस के फोन पर। एक मिनट, विक्रांत को कुछ समझ में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजू मैडम के मर्डर के पीछे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी किसी का हाथ था? और तुम्हें क्या लगता है, मुझे यहाँ डीएन नगर ब्रांच क्यों भेजा गया है? मैं मंजू मैडम के मर्डर केस की जांच वहाँ पनवेल ब्रांच में ही रहते हुए भी तो कर सकती थी ना? नैना ने जवाब दिया। और तुम खुद देखो, जिस तरह से मंजू मैडम का मर्डर करके साजिद को उस केस में फंसाया गया है वो कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं है, उसमें जरूर किसी न किसी अंदर के आदमी का हाथ है। विक्रांत की आंखें लगभग गीली हो चुकी थी, उसने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अब तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं बस तुम्हें फंसाने के लिए थोड़ा स्टाइल मार रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं खुद के लिए ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर लूंगा। क्या? नैना शॉक्ड रहेगी, तुम सच में निरा मूर्ख हो, इडियट, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ इश्क लड़ाऊंगी? तुम्हें डर भी नहीं लगा मेरे बारे में सोच के? सच में नैना, तुम सच बताना, क्या तुम मेरा पीछा नहीं कर रही थी? क्या तुम जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश नहीं कर रही थी? विक्रांत ने सवाल किया। इसके साथ ही उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अदृश्य शक्ति ने भी आज उसके साथ धोखा कर दिया, आज उसे कोडवर्ड में पानी दिया गया था जिसका मतलब लड़की से था, लेकिन यहाँ तो विक्रांत ने खुद के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली थी। अब उसे इतने डेंजरस केस के बारे में पता चल चुका है, सो उसकी जिंदगी तो ऐसे ही खतरे में आ चुकी है। देखो विक्रांत, मैंने तुम्हें ये सब ऐसे नहीं बताया, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, और तुमने जिस बहादुरी से साजिद को अरेस्ट किया था वो भी मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। इन केस पर काम करने के लिए तुमसे बेटर और कोई हो ही नहीं सकता, नैना ने विक्रांत को कन्विंस करने की कोशिश की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझे फोकट में अपनी जान नहीं देनी, मिलना जुलना कुछ नहीं, बस अपनी जान गंवाने निकल पड़ो।
विक्रांत ने साफ तौर पर नैना के साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखो, तुम जाकर जैसे ही किसी के आगे मुंह खोलोगे, देखो फिर किसकी जान पहले जाती है। नैना ने विक्रांत को थोड़ा डर दिखाने की कोशिश की। देखो नैना, तुम ये मान लो कि ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना मैंने कुछ सुना, बस बात यही खत्म। विक्रांत ने फिर थोड़ा खींचते हुए कहा, तुम कैसी पुलिस वाली हो, तुम मुझे डरा रही हो। नैना को विक्रांत की मनसा समझ आ रही थी। उसने एक बार फिर से विक्रांत के सामने ऑफर रखा। अच्छा चलो, अगर हम दोनों ने मिलकर ये केस सॉल्व कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। क्या जान की बाजी लगाने के बाद सिर्फ डेट? अगर एक रात की बात करो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। अभी विक्रांत की पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक जोर से घूंसा उसके मुंह पर लगा और उसका सिर गाड़ी की खिड़की में जा बैठा। धम। इसके बाद विक्रांत और नैना के बीच में कोई बात नहीं हुई। दोनों वापस पुलिस स्टेशन लौट आए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। पुलिस ब्रांच लौटने के बाद से नैना और विक्रांत के बीच कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन विक्रांत काफी असहज महसूस कर रहा था। उसे थोड़ा गिल्ट सा फील हो रहा था। नैना ने जब से उसे ये बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई गद्दार बैठा है जिसने मंजू के मर्डर में साथ दिया है, तब से विक्रांत को बहुत बुरा फील हो रहा है। विक्रांत मन ही मन सोच रहा था कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा गद्दार कौन हो सकता है। अगर उसके पास कई सारे लाई डिटेक्टर मशीन होती तो वो एक एक आदमी का टेस्ट करके उस गद्दार को ढूंढ निकालता। खैर छोड़िए इस बात को। उधर अब मंजू का केस खत्म हो चुका था। कोर्ट ने साजिद को ही पूरी तरह से दोषी मान लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने भी इस केस को क्लोज कर दिया और अब डीएन नगर ब्रांच की पुलिस फिर से 1994 के किडनैपिंग केस पर काम करने में जुट गई। विक्रांत ने भी अपना ध्यान उस किडनैपिंग केस पर लगाना शुरू कर दिया। विक्रांत की आज उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम लीडर चेतन और अन्य ऑफिसर्स के साथ मिलकर मिनी बस के ड्राइवर अहमद खान के घर पूछताछ के लिए जाना था। जब ये किडनैपिंग केस हुआ था उस वक्त से ही लोगों को पूरा शक अहमद खान पर ही था। यहाँ तक कि उस वक्त पुलिस ने भी अहमद खान को दोषी मानकर काफी जांच पड़ताल की थी, लेकिन आज तक अहमद के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। किडनैपिंग के बाद 26 सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला। उसके घर वालों ने तो उसे पहले ही संतोष कर लिया था। 26 साल बाद अब आज अहमद का अवशेष मिला है, तब भी बहुत से लोग अहमद खान को ही दोषी मान रहे। विक्रांत को पता चला कि उस वक्त अहमद खान लोनावला में ही रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा भी था। पत्नी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और अहमद ड्राइवर की नौकरी करता था। एक ही बेटा था, सो ज्यादा पैसे की दिक्कत नहीं थी। इस तरह से देखा जाए तो अहमद के पास इस तरह की किडनैपिंग करने की कोई खास वजह नहीं थी। जब 1994 में ये किडनैपिंग केस हुआ था उस वक्त अहमद के बेटे की उम्र मात्र 2 साल थी। आज वो 28 साल का जवान हो चुका है। इस किडनैपिंग के चलते अहमद के परिवार वालों को बहुत दुख झेलना पड़ा था। उस वक्त तो उनका लोनावला में रहना मुश्किल हो गया था। पुलिस से लेकर आस पड़ोस वाले इतना परेशान करते थे कि ताना मारते थे कि अहमद की पत्नी हसीना खान इससे परेशान होकर वो घर छोड़कर चली आई। अब अहमद का परिवार मुंबई के डोंगरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता है। पुलिस अब अहमद की पत्नी हसीना से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची तो पुलिस को अहमद की पत्नी और बच्चे को देखकर थोड़ा दुख भी हुआ। अहमद की पत्नी ने उसकी मौत के बाद दोबारा शादी नहीं की। उसने अकेले मेहनत करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज जब विक्रांत और बाकी पुलिस वाले उसके घर पहुंचे तो वो पूरी ईमानदारी से पुलिस की मदद कर रही थी। उसे जो कुछ भी पता था उसने सब पुलिस को बताया। वो खुद चाहती थी कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करे ताकि उसके पति के ऊपर लगा दाग मिट सके। हसीना कभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता था। वहीं अहमद का बेटा जो अब 28 साल का जवान हो चुका है, उसके मन में पुलिस को लेकर बहुत घृणा है। वो मानता है कि पुलिस किडनैपर्स को आज तक नहीं पकड़ पाई, इस वजह से पूरी दुनिया उसके बाप को ही मुजरिम मानती रही और इन वजह से वो आज तक सिर उठा के नहीं चल पाया। पुलिस के नाम से ही उनका खून खौल उठता है। यहाँ तक कि जब विक्रांत और उसके साथी पुलिस वाले उसके घर पर पूछताछ के लिए पहुंचे तो वो उन्हें अपने घर में भी नहीं दाखिल होने दे रहा था। पुलिस वालों और अहमद के बेटे के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि अपनी माँ के कहने पर भी नहीं रुक रहा था। हालांकि बाद में अहमद की पत्नी हसीना ने खुद ही अपने बेटे की तरफ से पुलिस वालों से माफी मांगी। उसका एक ही बेटा था, उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी जी रही थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे पर कोई पुलिस केस बने। हसीना ने पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट की कि उसे उसके पति का मिला हुआ अवशेष दे दिया जाए ताकि वो उसे दफना सके और अपने पति की आत्मा को शांति दिला सके। जब हसीना अपनी सारी बातें पुलिस वालों को बता रही थी तो वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके काफी जोर जोर से रोने लगी थी। यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। विक्रांत से उसका रोना देखा नहीं गया, तो वो वहां से उठकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गया।
गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठकर उसने अपना सिर पीछे हेडरेस्ट पर टिका दिया और आंखें बंद करके सोचने लगा। विक्रांत इस वक्त काफी उलझन में जी रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ बड़ा अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर उसकी आइडेंटिटी को बदलवाने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले उससे एसएसपी रोनित चौहान ने एक सीक्रेट मिशन पर काम करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये हायर अथॉरिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और वो विक्रांत को स्पेशली इस काम पर करने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। इसके बाद डीसीपी डिसूजा सर ने भी विक्रांत को अपनी खास डायरी पकड़ा दी थी और वो चाहते थे कि विक्रांत उनके ओल्ड केसेस पर काम करे। और फिर अब नैना ने तो विक्रांत का दिमाग ही फिरा दिया था। नैना ने भी विक्रांत को अपने साथ काम करने के लिए कहा था। इस वक्त विक्रांत काफी कंफ्यूजन में था। आखिर वो क्या करे, किस रास्ते पर जाए, कौन से केस पर काम करे, कौन से मिशन पर जाए और कौन से मिशन को छोड़ दे। विक्रांत एक एक करके तीनों सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। सबसे पहले तो उसे एसएसपी रोनित ने एक खास केस पर काम करने के लिए कहा था और उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो खुद ही आगे इस केस के बारे में बताएंगे, तो अभी खुद ही जाकर रोनित से केस के बारे में पूछना ठीक नहीं है। इसके बाद डीसीपी डिसूजा साहब ने विक्रांत को अपनी खास डायरी दी थी जिसमें उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट केसेस की डिटेल थी। इन केसेस को डीसीपी डिसूजा साहब भी अपने पूरे सर्विस टाइम में नहीं सॉल्व कर पाए थे। विक्रांत ने पिछली रात उस पीली डायरी को पढ़ा भी था। उसमें तो ऐसे ऐसे केसेस के बारे में लिखा था जो कि महाराष्ट्र की नहीं बल्कि इंडिया लेवल के केसेस थे। वो केस काफी पुराने होने के साथ ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी थे। अब सोचने वाली बात है कि जब डीसीपी डिसूजा साहब इतने होशियार ऑफिसर होते हुए भी उन केसों को सॉल्व नहीं कर सके थे तो फिर भला विक्रांत उन्हें कैसे इतनी जल्दी सॉल्व कर सकता है। वो केस तो इस किडनैपिंग केस की तुलना में भी 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब भले ही विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति की ताकत है, फिर भी ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ स्पेशल पावर की ही जरूरत नहीं पड़ती बल्कि काफी अनुभव की भी जरूरत पड़ती है। सो अभी उन केसेस पर हाथ डालना विक्रांत को ठीक नहीं लग रहा था। अब बात करते हैं तीसरे सिचुएशन की, नैना के केस की। नैना का केस बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले दोनों सिचुएशन में तो विक्रांत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस केस में उसे जान की भी बाजी लगानी पड़ सकती है। सच कहें तो विक्रांत को तो पहले से ही शक था कि मंजू के मर्डर के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मंजू मैडम के मर्डर के पीछे किसी पुलिस वाले का भी हाथ हो सकता है। जब नैना ने उसे ये बात बताई है, विक्रांत को बहुत बुरा फील हो रहा था। नैना का अचानक से ट्रांसफर होकर यहाँ डीएन नगर ब्रांच पर आना विक्रांत को शुरू से ही खटक रहा था। उसे कुछ न कुछ गड़बड़ होने का शक पहले से ही था। हालांकि नैना ने अभी तक विक्रांत को ये नहीं बताया कि आखिर मंजू मैडम अपनी मौत से पहले किस केसेस पर काम कर रही थी, वो केस किससे रिलेटेड था और ये केस इतना डेंजरस क्यों था। नैना ने विक्रांत को बस इतना बताया था कि हायर अथॉरिटी ने सीक्रेटली मंजू मैडम को उस केस पर काम करने के लिए लगाया था और हायर अथॉरिटी ने सीक्रेट काम करने के लिए भेजा है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि विक्रांत नैना के आगे सिर्फ इसलिए एक्टिंग कर रहा था ताकि नैना इसमें इंटरेस्ट लेने लग जाए। वो किसी भी तरह से नैना को रिझाने की कोशिश कर रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि उसका प्लान यहाँ उल्टा पड़ जाएगा। वैसे भले ही अब विक्रांत ने नैना के साथ इस केस पर काम करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन ना जाने क्यों उसे ये करने के बाद थोड़ा भारीपन सा फील हो रहा था। विक्रांत ने तो पहले ही खुद वादा किया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मंजू मैडम के कातिल को ढूंढ निकालेगा और चाहे नैना आती चाहे ना आती वो मंजू मैडम के असली कातिल को जरूर ढूंढता। दूसरी बात, विक्रांत ने इसलिए भी नैना के साथ इस केस पर काम करने का डिसीजन लिया था क्योंकि भले ही ये काम खतरे से भरा हुआ है, लेकिन इस केस के बहाने विक्रांत को नैना के करीब भी जाने का मौका मिलेगा। विक्रांत को लग रहा था कि ये काम सीक्रेट है तो बेशक जब भी इस बारे में मेरी नैना से बात होगी तो वो अकेले में ही होगी। और नैना ने बताया था कि इस केस पर काम करने के लिए उसे एक अलग से फोन भी दिया जाएगा और नॉर्मल ड्यूटी के बाद उसे इस केस पर काम करना होगा। सो विक्रांत को इस बात का काफी चांस लग रहा था कि नैना और उसके बीच अब कनेक्शन बन सकता है। क्या पता ये केस नैना को उसके पास लाने का एक बहाना बन जाए। इसी खुशी के साथ विक्रांत ने नैना के साथ सीक्रेट मिशन पर काम करने का फैसला कर लिया था। इतना सब कुछ सोचने के बाद विक्रांत ने फिर अपना दिमाग 1994 के किडनैपिंग केस पर लगाना शुरू किया। क्योंकि अभी वो ड्यूटी पीरियड में ही है तो अभी उसे रूटीन काम ही करना है। मंजू के मरने के बाद इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो रही थी।
विक्रांत को भी अपने अदृश्य शक्ति की मदद के बाद भी कुछ खास जानने को नहीं मिल पाया था। पुलिस लगातार चारों तरफ हाथ पैर मार रही थी, लेकिन रिजल्ट जीरो ही था। ये सब देखते हुए विक्रांत के दिमाग में फिर से गजेंद्र ठाकुर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ख्याल आया, क्योंकि अभी वही ऐसा सस्पेक्ट है जिसका कनेक्शन करजत की उस माइन से दिख रहा है। ना जाने क्यों विक्रांत को लग रहा था कि गजेंद्र के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने पर कुछ पता लग सकता है। और रही बात मंजू की मौत की, भले ही नैना ये कह रही थी कि मंजू के मर्डर का किडनैपिंग केस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी विक्रांत का दिल अभी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हो सकता है कि जो आदमी साल 1994 में उस किडनैपिंग केस में शामिल रहा हो वो अब पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा ऑफिसर बन गया हो, या फिर हो सकता है कि उसका कोई दोस्त या बेहद करीबी पुलिस में हो जिससे उसे पता लग गया हो कि मंजू किडनैपिंग केस के असली मुजरिम तक पहुंचने वाली है, और फिर उसने मंजू का मर्डर करवा दिया हो और फिर साजिद को बलि का बकरा बनाकर पेश कर दिया हो। विक्रांत ने गहरी सांस ली और फिर उसने निश्चय किया कि अब गजेंद्र ठाकुर के बारे में फिर से इन्वेस्टिगेट करना होगा, वहीं से कुछ पता लग सकता है। ये रात का समय था और अब तक सारी स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी थी। विक्रांत इस वक्त नैना के साथ उसकी गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी ड्राइव करते हुए नैना की नजरें इस वक्त ठीक सामने थी। उसने विक्रांत की तरफ बिना देखे ही कहा, विक्रांत क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि मंजू मैडम का मर्डर साजिद ने नहीं किया है? 100% श्योर हूँ। विक्रांत ने अपनी जेब से अपनी डायरी निकाल ली और फिर बोला, मैं न सिर्फ इसके लिए श्योर हूँ बल्कि मुझे ये भी पता है कि साजिद को जानबूझकर इस केस में फंसाया गया है, और खुद साजिद को भी ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। उस रात उसने खूब शराब पी हुई थी और फिर उसे मर्डर वाले प्लेस पर ले जाने से पहले ड्रग्स भी दिया गया था ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद वहाँ मौजूद थे, नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़ी अजीब नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी इस बात से श्योर हूँ, ये पॉसिबल है कि साजिद को खुद नहीं पता है कि असली मुजरिम कौन है। उसकी बस किस्मत खराब थी और वो बलि का बकरा बना हुआ है। ओ, विक्रांत मनी मन सोचने लगा, भाई मेरे पास तो लाई डिटेक्टर मशीन है, वहाँ से मुझे ये सब पता चला है, लेकिन ये इतना श्योर होकर क्यों बोल रही है? देखो, अभी तक साजिद जिंदा है, यही इस बात का प्रूफ है। नैना को अंदाजा लग गया था कि विक्रांत के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम खुद सोचो, जिस भी आदमी ने मंजू को मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं, और अगर साजिद ने उसे इत्तफाक से मंजू को मारते हुए देख लिया था तो फिर अब तक वो जिंदा कैसे रह सकता था? उसने सबूत मिटाने के लिए साजिद का भी मर्डर कर दिया होता। सही बात, विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा, यानी कि हमें साजिद के खिलाफ और कोई सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट, नैना ने जवाब दिया। तुम खुद सोचो, अगर हम उसी तरीके से मंजू को मारने का प्लान बनाते तो क्या हम उसे ऐसे ही अचानक से जाकर मार देते? नैना ने विक्रांत को सोचने के लिए कुछ पल दिए। विक्रांत ने भी थोड़ी देर तक सोचने के बाद जवाब दिया, हो सकता है कि मार भी देते लेकिन फिर भी डिफिकल्ट काम है। राइट, नैना ने जवाब दिया। अब तुम सोचो, उस रात मर्डरर को सारा कुछ प्लान करना पड़ा होगा। मंजू कितने बजे ऑफिस से निकल रही है, वो कब तक ऑफिस में रहेगी, वो किस रास्ते से घर जाएगी, और साजिद कहाँ और कब उससे मिलेगा, सारा कुछ प्लान किया होगा, और उसे मंजू मैडम के बारे में भी सब कुछ पता रहा होगा। मंजू मैडम अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करती रहती थी, और वो कब और किस रास्ते से घर जाएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं होता था। विक्रांत ने बताया, टीम बी के ऑफिसर बता रहे थे कि उस दिन जब मंजू मैडम ने घर जाने की बात कही तो उनका पहले से कोई प्लान नहीं था। फिर अचानक ही विक्रांत के दिमाग में एक बात आई, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस टीम में ही कोई ऐसा रहा हो जो मंजू मैडम पर लगातार नजर रख रहा हो और वो सही मौके की तलाश कर रहा हो। तुमने ही तो बताया था ना कि पुलिस टीम में ही कोई गद्दार छुपा हुआ है। सही बात, पुलिस वालों की गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है, नैना ने कहा। कोई अंदर वाला ही उस बात की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। मंजू की सही लोकेशन निकालने का काम किसी अंदर वाले आदमी ने ही किया है। फिर मैं पता करता हूँ कि उस रात मंजू के साथ कौन कौन काम कर रहा था। अगर उनमें से कोई ऐसा हो जो मंजू को बार बार घर जाने के लिए कह रहा हो तो वो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड है, विक्रांत ने कहा। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन नैना ने विक्रांत की तरफ ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें मैंने पहले ही बताया था ना कि ये काफी सीक्रेट केस है, हमें किसी को भी इसके बारे में पता नहीं लगने देना है। अगर हम ऐसे किसी को पकड़ कर इन्वेस्टिगेट करने लगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है, और हमें भी तो अभी एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि ये कौन हो सकता है। हो सकता है कि कोई टीम ए का ऑफिसर हो, कोई सिक्योरिटी वाला हो, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हो, या कोई हायर ऑफिसर। हमें अभी कुछ भी श्योर नहीं है, तो हम भला ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
हायर अथॉरिटी भी हो सकता है, विक्रांत ने कुछ पल सोचते हुए कहा। वैसे मेरी मानो तो हमें पुष्कर और नई टीम लीडर चेतन राय से पूछताछ करनी चाहिए। चेतन तो अभी नया नया है, अभी तक हॉस्पिटल में पड़ा है, अचानक ही ड्यूटी ज्वाइन करने आ गया और उसके आते ही मंजू मैडम का मर्डर हो गया। मुझे तो उन दोनों पर पूरा शक है। विक्रांत तुम अपनी पर्सनल खुन्नस यहाँ मत निकालो, मुझे भी पता है तुम्हारे और पुष्कर के बारे में। तुम यहाँ अपना बदला पूरा करने की कोशिश मत करो, नैना ने थोड़े सख्त लहजे में विक्रांत को जवाब दिया। विक्रांत के पास भी कोई जवाब नहीं रह गया, वो अपना सिर घुमाते हुए इधर उधर देखने लग गया। फिर अचानक से उसकी नजर रोड किनारे जल रही स्ट्रीट लाइट पर पड़ गई। एक बात बताओ, जहाँ पर मंजू का मर्डर हुआ था वहाँ पर लाइट जल ही रही होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो सोलर लाइट तो जलेगी ही। अब खुद सोचो, साजिद जैसे नॉर्मल आदमी ने अगर उसका मर्डर प्लान किया भी था तो उसे भला ये कैसे पता चला होगा कि रोड पर इस वक्त लाइट नहीं जलेगी और अंधेरा रहेगा। तुमने बताया कि साजिद को मंजू के मर्डर वाले प्लेस तक कार से लाया गया था, है ना? नैना इस पर फिर अपनी भौहें ऊपर करते हुए साजिद से पूछा, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला, सबूत कहाँ है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूँ, विक्रांत ने सीरियस होते हुए कहा। मैं लोगों के दिमाग पढ़ सकता हूँ, मेरे पास जादुई शक्ति है। ओ रियली विक्रांत, प्लीज, नैना ने गुस्से में कहा। प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाओ विक्रांत। तो अगर वो साजिद को कार से नहीं ले गए तो क्या उठाकर गोद में ले गए थे? विक्रांत ने भी अपनी बात का तर्क देना शुरू कर दिया। जहाँ पर मंजू का मर्डर हुआ वहाँ से वो क्लब बहुत दूर था जहाँ बैठकर साजिद शराब पी रहा था। अब जाहिर है कि वो लोग साजिद को किसी न किसी गाड़ी में भरकर ही ले गए होंगे, इसमें कौन सा सबूत देना है अब? नैना ने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत की बातों से हामी भर दी। फिर उसने कहा, अच्छा अगर हम उस कार को ढूंढ लें जिसमें भर के साजिद को वहाँ लाया गया था तो फिर हमें काफी कुछ पता चल सकता है। मैंने मैप में उस एरिया को पूरा देखा हुआ था, उस वक्त वहाँ आसपास के रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और गाड़ियों के आने जाने का कोई एक ही रास्ता नहीं था, वहाँ किसी भी डायरेक्शन से गाड़ी आ जा सकती थी। हम ऐसे आसानी से उस कार के बारे में नहीं पता लगा सकते, विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। अब कुछ भी हो हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो कार ही हमारे लिए कातिल तक पहुँचने का एक रास्ता साबित हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि हमें अपने इन्वेस्टिगेशन के रेंज को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। उस रात बाहर से निकलकर मंजू के मर्डर प्लेस तक जितनी भी गाड़ियां गई हुई थी हमें सबकी डिटेल निकालनी होगी। विक्रांत ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। एक मिनट। नैना, अगर हम मंजू का मर्डर करते तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती? मतलब क्या? नैना ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अरे ये देखो ना, रोड पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं। विक्रांत ने रोड पर आ जा रही गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। भले ही उस रात मंजू काफी लेट घर जा रही थी, फिर भी रात को इक्का दुक्का गाड़ियां तो आती जाती ही रहती हैं। क्या जब मंजू का मर्डर हुआ तब एक भी गाड़ी रोड पर नहीं आ जा रही थी? अरे हाँ, नैना ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, हमने इस तरह से सोचा ही नहीं। शिट, अब मुझे समझ में आया, विक्रांत ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। उस रात कंस्ट्रक्शन दिखाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया होगा, तभी उस तरफ एक भी गाड़ी नहीं गई और बड़े आराम से मंजू मैडम का मर्डर कर दिया गया। ये बात नैना को भी अब अच्छे से समझ में आ रही थी। विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, मंजू मैडम के मर्डर में जरूर कोई ना कोई अंदर का आदमी शामिल है, और उनके मर्डर करने वालों में एक दो नहीं बल्कि कई सारे लोग शामिल थे। कईयों ने मिलकर मंजू मैडम का मर्डर प्लान किया था। विक्रांत कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से नैना की तरफ देखकर बोल पड़ा, नैना मैं तो भूल ही गया, हम इतनी सारी बातें कर चुके लेकिन अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मंजू मैडम किस केस पर काम कर रही थी। अगर हमें ये अच्छे से पता लग जाए कि मंजू मैडम किस केस पर काम कर रही थी तब हमें इस केस को सॉल्व करने में और मदद मिल सकती है। नैना ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो विक्रांत, मैं तुमसे सच बता रही हूँ, मुझे तो लगता है कि हमारे हायर ऑफिसर्स भी इस वक्त काफी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मैंने खुद उन्हें फोर्स करके ये जानने की बहुत बार कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या मतलब नहीं बताया? विक्रांत ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा। यार ये क्या बात हुई? ये तो यही बात हो गई ना कि बिना कांटे के मछली पकड़ के लाओ। भाई हम यहाँ क्या हाथ से मछली पकड़ने आए हैं? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर कुछ पल शांत रहने के बाद नैना ने फिर से कहा, विक्रांत मुझे लगता है कि मंजू मैडम का
मर्डर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत बड़े केस पर काम कर रही थी, उनका मर्डर इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा राज जान लिया था। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा पता लगा लिया था जो कई लोगों को तबाह कर सकता था। उनकी इन्वेस्टिगेशन कई लोगों के चेहरे से नकाब हटा सकती थी, शायद इसीलिए उन्हें मार दिया गया। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम ये कहने जा रही हो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त नैना ने विक्रांत की तरफ थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा। रोड पर जल रही स्ट्रीट लाइट नैना के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा अलग ही चमक बिखेर रहा था। विक्रांत नैना की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। उसने नैना की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिल्म की कहानी में चल रहे हैं। तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, यानी अगर हम मुजरिम को पकड़ भी लेते हैं तो भी हमें पूरी कहानी नहीं पता चलेगी और हो सकता है कि हम तब भी खतरे में ही रहेंगे। नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया है और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें खतरे में डाल रही हूँ तो तुम अभी भी पीछे हट सकते हो। मैं तुम्हें इस केस पर काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रही। विक्रांत फिर से हंस पड़ा, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना खतरा तो उठा ही सकता हूँ। यानी तुमने मेरे साथ रात बिताने, विक्रांत कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इससे नैना का गुस्सा बढ़ सकता है, इसलिए उसने अपनी बात बदल दी। मेरा मतलब तुम मेरे साथ डेट घूमने चलोगी, इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। अच्छा नैना, जब घूमने चलोगी तो मुझे एक दो किस तो मिल ही सकता है ना। अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि एक जोर का घूंसा उसके मुंह पर आकर पड़ गया। फिर से उसका सिर गाड़ी के साइड विंडो में जा भिड़ा। ओ, मतलब ये नहीं हो सकता, विक्रांत ने मन ही मन सोचा। फिर जब विक्रांत घर पहुंचा तो वो शीशे के सामने खड़े होकर नैना के बारे में सोच रहा था। ये नैना खाती क्या है, इतना तेज घूंसा कौन मारता है। अभी भी विक्रांत को चेहरे पर दर्द का एहसास हो रहा था, उसका पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था। फिर विक्रांत मन ही मन सोचने लगा, आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं नैना के सामने बड़ी शराफत से पेश आना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकल जाती हैं जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। हे भगवान, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे नैना से मैं हर बार सिर्फ मार ही खाता रहूंगा, कभी उसका करीब नहीं जा पाऊंगा। वैसे भले ही विक्रांत ने नैना से थप्पड़ खाया था लेकिन उसे एक फायदा भी हुआ था, आज उसका सक्सेस रेट 91% का रहा है और अदृश्य शक्ति द्वारा उसे एक अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया। इस जैकेट को पहनकर विक्रांत कितनी भी पावरफुल गोली क्यों ना हो सबसे बच के रह सकता है। और इस अदृश्य बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि ये विक्रांत की पूरी बॉडी को कवर कर सकती है, यानी कि इसे पहनने के बाद विक्रांत का सिर से लेकर पैर तक सब कुछ सेफ रहेगा। और एक बार जैकेट पहनने के बाद ये अगले 1 घंटे तक अपना काम करता रहेगा और फिर इस दौरान चाहे विक्रांत पर मशीन गन ही क्यों ना चला दी जाए वो बिल्कुल सेफ रहेगा। विक्रांत इस गिफ्ट के मिलने से बेहद खुश था। इसके साथ ही उसके पास आज 2 और गुड न्यूज थी। पहली तो ये कि उसे नैना ने बताया था कि रमेश सावरकर और मीना अग्रवाल मर्डर केस के लिए अनीता को जो जेल हुई थी अब उसकी बेल हो चुकी है। अनीता के पति ने अपनी शॉप बेच डाली थी और शहर के सबसे महंगे वकील को अनीता का केस लड़ने के लिए लेकर आया था, उसने केस जीत भी लिया और अब अनीता हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही है। विक्रांत भी अनीता के लिए यही चाहता था। दूसरी अच्छी खबर ये थी कि आज ही विक्रांत को उसके मकान मालिक की बेटी रिया ने बताया कि वो जो पुलिस के लिए हैकिंग का काम कर रही थी उसके लिए उसे पैसे मिलने शुरू हो गए, वो वहां से पैसे कमाकर अपनी माँ के इलाज में लगाती है। विक्रांत ने फिर भी उसे सलाह दी थी कि इन कामों में अपना ज्यादा वक्त ना खराब करे बल्कि पढ़ाई में ज्यादा मन लगाए क्योंकि जल्द ही उसके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। रिया बहुत ही समझदार बच्ची थी, वो बस अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए ही पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए विक्रांत को उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रिया खुद ही इतनी समझदार है कि वो ज्यादा दिनों तक ये इलीगल हैकिंग का काम नहीं करेगी। इसके बाद विक्रांत को एक और अच्छी खबर सुनने को मिली। उसे मोनिका ने फोन करके बताया कि उसके पिता ने महेश का ऑपरेशन करने के लिए किसी को ढूंढ लिया है, अब बहुत जल्द ही विक्रांत के कुत्ते की टांग का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विक्रांत इस खबर से बहुत खुश हुआ, उसने मोनिका से कह दिया कि चाहे जितना पैसा लगे चाहे जो हो जाए इसका इलाज अच्छे से करवाओ। पिछले कुछ दिनों से एक बात तो ये अच्छी हो रही थी कि विक्रांत को सोने का खूब वक्त मिल रहा था और विक्रांत को नींद भी अच्छे से आ रही थी। बिस्तर की ओर पड़ते ही उसकी आंख बंद हो जाती और फिर वो आराम से अपनी नींद पूरी कर पा रहा था। उस दिन रात को भी विक्रांत खूब अच्छे से सोया। इसके बाद अगले दिन सुबह जब विक्रांत की नींद खुली तो उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ और पानी शब्द दिया गया। विक्रांत को बहुत दिनों से इस पहाड़ कोडवर्ड का इंतजार था, अब वो अच्छे से काम कर सकता है।
अगले दिन सुबह उठकर विक्रांत सीधे ही ऑफिस गया और तुरंत ही किडनैपिंग केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम शुरू कर दिया। ऑफिस में उसे टीम लीडर चेतन राय किसी दूसरे टास्क पर लगाना चाहते थे, लेकिन विक्रांत ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो सीधे ही गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता लगाने के लिए निकल गया। वो उन लोगों की पड़ताल करने जा रहा था जिनका संबंध गजेंद्र के साथ उसके मरने से पहले था। रिकॉर्ड के हिसाब से गजेंद्र ठाकुर करजत के पास ही स्थित पोसारी इलाके का रहने वाला था। 80 के दशक में वहां पर उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग मटेरियल की शॉप हुआ करती थी। यहां तक के करजत इलाके तक वो बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई किया करता था। 90 के दशक के दौरान उसे किसी ने बताया कि माइंस में इन्वेस्टमेंट करने पर काफी फायदा हो सकता है, इसलिए उसने अंधाधुंध पैसा माइंस को खरीदने में लगाना शुरू कर दिया। उसी वक्त उसने करजत की इस अम्बार्डेड सिल्वर माइंस को भी सरकार से खरीदा था। उसने इस माइंस की खुदाई भी करवाई थी और इससे उसको काफी फायदा हुआ था। उसने इस माइंस से बहुत पैसे कमाए थे। गजेंद्र ठाकुर काफी आयाश आदमी था। उसे जुआ खेलने के साथ ही लड़कियों का भी काफी चस्का था। बताया जाता है कि उसका कई औरतों के साथ चक्कर था और उसने तो शायद एक से ज्यादा शादियां भी कर रखी थी। गजेंद्र के पास पैसा और पावर दोनों था। दिन ब दिन वो अपना बिजनेस बढ़ाता जा रहा था। यहाँ तक कि उसने मुंबई आकर फिशिंग के बिजनेस में भी अपना हाथ डालने लगा था। उसने एक दो बोट भी खरीदी थी और समुद्र से मछलियां पकड़कर उनकी सप्लाई भी करने लगा था। लेकिन उसका ये बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसकी बुरी आदतें ही उसके जी का जंजाल बन गई थी। जुए की वजह से गजेंद्र के दोस्त तो खूब बने थे, लेकिन कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए थे। भले ही गजेंद्र बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन उसे मार्केटिंग करना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसका बिजनेस ज्यादा दिनों तक मार्केट में टिक नहीं सका। ऊपर से उसके कुछ दुश्मनों ने भी अपना बदला पूरा करने के लिए गजेंद्र का व्यापार डुबाने की कोशिश की थी। 90 का दशक आते आते उसका सारा व्यापार खत्म हो गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया। फिर भी उसकी जुए की लत नहीं छूट रही थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई और फिर जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे उन सब ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। कुछ लेनदारों ने तो उसे धमकाना भी शुरू कर दिया था। और फिर गजेंद्र को ब्रेन हेमरेज हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अस्पताल में भर्ती होने के 2-4 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी और फिर गजेंद्र के मरने के 2-3 महीने बाद ही उसकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया था। लगातार कर्जे वाले उसे घर आकर धमकियां देकर जाते थे। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी। गजेंद्र के 2 बच्चे भी थे। उसकी बड़ी बेटी का कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बच गई थी। वहीं गजेंद्र का बेटा इस वक्त किसी कारण से जेल में बंद पड़ा है। योगेंद्र ने गजेंद्र ठाकुर के बारे में जो कुछ भी बताया था सब सही ही था। उसने बताया था कि गजेंद्र पहले बहुत अमीर हुआ करता था, लेकिन बाद में अचानक से उसका सारा बिजनेस ठप पड़ गया और वो तबाह हो गया था। शुरू में विक्रांत ने गजेंद्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन अब उसने गजेंद्र को किडनैपिंग केस का मेन सस्पेक्ट मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। गजेंद्र वहां माइनिंग वाले एरिया में काफी लोगों को जानता रहा होगा। काफी सारे वर्कर्स उसके लिए काम किया करते थे। हो सकता है कि गजेंद्र किडनैपिंग केस में पर्सनली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन इस बात की बहुत संभावना है कि उसका कोई जानने वाला या किसी करीबी ने ही बच्चों की किडनैपिंग की हो। इसीलिए अब विक्रांत गजेंद्र के दोस्तों और उसके करीबियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। अभी तक विक्रांत के हिसाब से जो भी किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व रहा होगा उनमें से हो सकता है कि कोई आदमी पहले बहुत गरीब रहा हो, लेकिन बाद में उसके पास किडनैपिंग का अथाह पैसा आया होगा। दूसरी बात, वो कर्जत में मौजूद उस चांदी के खदान में काम करता रहा होगा और वो खदान का कोई डेली वर्कर नहीं था, क्योंकि जिस तरह से खदान के भीतर बम ब्लास्ट किया गया था उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो आदमी कोई स्पेशलिस्ट था। और तीसरी बात, अगर वो आदमी काफी हिम्मत वाला है और अगर अभी तक जिंदा है तो काफी पावरफुल भी हो सकता है। इन सब अनुमानों के साथ विक्रांत एक बार फिर से इस केस के बारे में शुरू से सोचने लगा और एनालिसिस करने लगा। जब दोबारा से इस किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब पुलिस ने उन सभी लोगों से पूछताछ की थी जो भी उस वक्त माइंस में काम करते थे। अधिकतर वर्कर्स तो वहीं आसपास के ही थे और ये सिर्फ मजदूर थे, उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि ये माइंस किसकी है। वो बस काम करके अपनी मजदूरी लेने के मतलब रखते थे और वैसे भी इस बात को अब 26 साल हो चुके हैं, सो काफी वर्कर्स की तो मौत भी हो चुकी है। विक्रांत को ऐसा कोई सस्पेक्ट मिल नहीं रहा था, सो उसने ऑफिस में फोन करके राघव से मदद ली। राघव ने सभी वर्कर्स की लिस्ट निकालकर उसमें से 1-2 ऐसे वर्कर्स का एड्रेस विक्रांत को दिया जिसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता था। विक्रांत ने अपना पूरा दिन उसे खोजने में लगा दिया। करजत पहाड़ी के चप्पे चप्पे में विक्रांत घूमता रहा। अंत में उसे 1-2 सस्पेक्ट मिले भी,
लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली है। राघव ने विक्रांत को एक सीनियर माइंस वर्कर का एड्रेस दिया। तब उनके घर तक पहुंचने के लिए विक्रांत को बहुत पापड़ बेलने पड़े। नदी पार करने से लेकर बैलगाड़ी तक का सफर करना पड़ा, तब जाकर विक्रांत उनके घर पहुंच सका था। लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल सकी। दरअसल वो दोनों ही वर्कर अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी याददाश्त तो बहुत कमजोर हो चुकी थी, उन्हें कुछ याद भी नहीं था। अंत में विक्रांत को हैरान होकर खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन फिर भी विक्रांत ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार अपने काम में लगा रहा। भले ही आज उसे कुछ बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर मिले हैं जो कि उसने किडनैपर्स के बारे में पहले से ही अनुमान लगाए थे। उसे गजेंद्र ठाकुर के बारे में भी थोड़ा बहुत और जानने को मिला है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन राघव को ट्रांसफर कर दी ताकि केस से जुड़े कुछ और संदिग्धों के बारे में पता लगाया जा सके। विक्रांत सुबह से ही इस इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और अब तक शाम हो चुकी थी। आज विक्रांत को लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। शाम को उसे नैना के साथ मिलकर मंजू के मर्डर केस पर काम करना था, सो वो अब कर्जत से वापस मुंबई के लिए लौट पड़ा। नैना ने उसे मिलने के लिए एक खास स्थान पर बुलाया था ताकि कोई उन्हें देख ना सके। नैना से मिलने के लिए जाते वक्त विक्रांत ने रास्ते में खुद के खाने के लिए KFC से एक बर्गर ले लिया था। जब वो नैना से मिला तो उसने विक्रांत को दो चीजें दी, एक तो एक सीक्रेट फोन जिसके माध्यम से अब दोनों आगे केस से रिलेटेड बात करेंगे, दूसरी चीज विक्रांत को एक फाइल दी थी जिसमें कई सारी फोटो लगी हुई थी। नैना ने विक्रांत को जो फोन दिया था वो दरअसल देखने में बच्चों की घड़ी जैसा दिखता था। विक्रांत ने उसे अपने हाथों में पहन लिया। नैना ने विक्रांत को बताया कि ये फोन सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता है और ये फोन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। कोई भी इस फोन की कॉल को टैप नहीं कर सकता और ना ही इसे हैक किया जा सकता है। इस फोन में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगी हुई है। नैना ने विक्रांत को सजेस्ट किया कि ट्रैकिंग सिस्टम हमेशा ऑन रखें जिससे कि वो सिक्योर रहे। वाओ, अमेजिंग। विक्रांत ने अपने हाथ में घड़ी की तरह उसे फोन को पहने हुए कहा। फिर वो नैना द्वारा दी गई फाइल्स को खोलकर देखने लगा। उसमें बहुत सारी कार की फोटो लगी हुई थी। नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, इसमें जितनी कार की फोटो हैं, ये सब उस रात मंजू के मर्डर वाले प्लेस से गुजरी थी, तो तुम्हें इन सब कार के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना है। क्या? विक्रांत चौंक उठा। नैना, क्या तुम कुछ और लोगों को भी इस मिशन में शामिल करने जा रही हो? नहीं तो क्यों? नैना ने सवाल किया। अरे मतलब इतनी सारी कार के बारे में मैं भला अकेले ही कैसे पता लगा पाऊंगा? विक्रांत, तुम्हें पता है मैं तुमसे पहले से ये काम अकेले ही करना चाहती थी और तुम्हें भी मैंने अपनी रिस्क पर इसमें इन्वॉल्व किया है। अभी मैंने सीनियर्स को भी नहीं बताया कि मैंने तुम्हें भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। जब उन्हें पता लगेगा ना तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी। ओह, ये बात है? विक्रांत ने कुछ सोचते हुए फिर कहा। अच्छा नैना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बेनिफिट ले रही हो? मतलब सिर्फ साथ में कॉफी पर जाने के बदले में तुम मेरे से इतना सारा काम करवा रही हो और तुमने किसी सीनियर को भी नहीं बताया है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। ये तो है, नैना ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा। लेकिन सुनो मेरी बात, तुम मेरी गाड़ी देख रहे हो ना, ये 37 लाख की है और बांद्रा में मेरा एक 2 BHK फ्लैट भी है, समझे? अब बताओ ये सब कहाँ से आया? रियली, तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा। पुलिस वाले कब से इतने अमीर होने लग गए? एक मिनट, तुम कोई इलीगल काम तो नहीं करती? ओ, तभी तो तुम्हारे पास इतना पैसा आया है ना? नहीं, दरअसल तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते हो मैं किस पोस्ट पर काम करती हूँ। मैं भले ही तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी सैलरी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बराबर है। और ये इसलिए है क्योंकि मैं हर केस पर पूरी शिद्दत से काम करती हूँ। सैलरी के बाद मुझे हर केस को सॉल्व करने के लिए अवार्ड भी मिले हुए हैं। कभी तुम घर आना मेरे, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे चीफ मिनिस्टर तक से अवार्ड मिले हुए हैं और मेरे पास सबके सर्टिफिकेट भी हैं, समझे? अगर मैंने मंजू मैडम का केस सॉल्व कर लिया ना, तो फिर मुझे इतना पैसा मिलने वाला है जिससे मैं बांद्रा में एक और फ्लैट खरीद सकती हूँ। और मुझे गाड़ी तो खरीदनी ही है, इस बार सोच रही हूँ कि BMW ले ही लूँ। सच में नैना, सच में ऐसा होता है? और अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना असिस्टेंट बना लो यार, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा। और तुम जानते हो विक्रांत, नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा,
ये पैसा गवर्नमेंट अपने खाते से थोड़ी ना देती है, मतलब विक्रांत सोच में पड़ गया। फिर कहां से आता है इतना पैसा? अब हम जब कोई मुजरिम पकड़ते हैं तो फिर उसका पैसा कहां जाता है? जैसे मान लो कि हमने मंजू मैडम के कातिल को पकड़ लिया और फिर मान लो उसके घर वगैरह की कुछ नीलामी वगैरह हुई तो उसका पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और कहां जाएगा? विक्रांत ने सीधा जवाब दिया, अरे वो तो बाहर वालों के लिए गवर्नमेंट के पास जाता है और जाता भी है गवर्नमेंट के खाते में, लेकिन फिर भी पूरा पैसा थोड़ा नहीं जा पाता है। कुछ हमारे जैसे इन्वेस्टिगेटर के खाते में भी तो आता है और केस सॉल्व करने के बाद जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलता है वो अलग। सच में ऐसा भी होता है क्या नैना? मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मेरा ध्यान जरूर रखना, अपने साथ साथ मेरा भी भला करते रहना। और मुझे कोई BMW का शौक नहीं, बस ऐसे ही एक दो पजेरो भी मिल जाए तो भी बहुत है। और घर तो मुझे 2 BHK ही चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा ही, उधर बांद्रा या जुहू साइड मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता। विक्रांत ने पहले भी पनवेल ब्रांच के कुछ लोगों से सुना था कि नैना बहुत पावरफुल है, उसके पास किसका सपोर्ट है ये तो नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि उसने एक बार किसी सीनियर ऑफिसर का भी ट्रांसफर करवा दिया था, इसलिए वो नैना की बातों पर आसानी से यकीन कर रहा था। लेकिन तुम तो काम ही नहीं करना चाहते, तुम्हें ये सब फ्री लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, नैना ने विक्रांत की तरफ हल्के मुस्कान भरे चेहरे के साथ कहा। अरे नहीं नहीं क्या बात कर रही हो, विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस थोड़ा टाइम दो, सारी डिटेल निकाल लाऊंगा। लेकिन तुम तो मेरा भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? सीनियर ऑफिसर्स तक मेरा नाम भी पहुंचा देना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा काम देखने के बाद ही ऐसा कर सकती हूँ, नैना ने अपने बालों को हाथ फेरते हुए कहा। इसके बाद उसने विक्रांत के बैग में हाथ डालकर उसे बिना पूछे ही बर्गर निकाल लिया और फिर बर्गर खाते हुए बोली, अच्छा ये बताओ वो किडनैपिंग केस का क्या हुआ? मैंने सुना था कि तुम आज फिर से कर्जत गए थे। अब तक विक्रांत और नैना ने अपना बर्गर खाकर खत्म कर दिया था। विक्रांत ने बैग से कोल्ड ड्रिंक निकालकर नैना को पकड़ा दिया। चूंकि नैना भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही थी और अब वो विक्रांत की ब्रांच की ओर आ चुकी थी, इसलिए अब उसको केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देना कुछ गलत नहीं था, इसलिए विक्रांत ने नैना को सब कुछ सही सही बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद नैना ने थोड़ी हल्की सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सीरियस टोन में कहा, मुझे नहीं पता था कि टीम हेड पुष्कर तुमसे इतना ज्यादा चिढ़ता है। आज उसने फिर से ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात सर से तुम्हारी कंप्लेंट की है। उसने सर से कहा है कि तुम अपने सीनियर ऑफिसर की बात नहीं मानते, जो टास्क दिया जाता है वो करने के बजाय अपने मन का काम करते हो। अच्छा आज फिर गया था वो सर के पास? विक्रांत ने अपना दांत पीसते हुए कहा। इसका कुछ तो हिसाब करना पड़ेगा। नैना तुम कोई केस वगैरह बनाकर इस साले को अंदर करवा देती? विक्रांत, नैना ने विक्रांत को चुप कराते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और पहले तुम खुद के अंदर सुधार लाओ। पुष्कर की जगह पर अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। जब तुम सीनियर की बात नहीं मानोगे तो यही होगा ना, और अगर मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाती और तुम वहां ना होते तो फिर क्या होता? फिर तुम और ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते। हाँ वो तो ठीक है, विक्रांत ने नैना की बात से हामी भरते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात नहीं मानना चाहता, मैं उनकी बात मानना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। मैं जो कहता हूँ वो मानते ही नहीं, सिर्फ अपनी अपनी कहते रहते हैं। फिर वही बात, नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि जो तुम कर रहे थे वो सही ही था? हो सकता है कि तुम्हारा ओपिनियन ही गलत हो। फिर कैसे मानेगा कोई तुम्हारी बात? मेरा ओपिनियन सही था, बिल्कुल सही था। और तुम ही बताओ, आज चेतन कह रहा था कि हमें गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स की जांच करनी चाहिए, ये कहां तक सही है, जबकि वो बच्चे पहले ही मर चुके हैं? देखो विक्रांत, इस तरह के केस काफी डिफिकल्ट होते हैं। अब भले ही तुम आज मुजरिम को पकड़ लेते हो, तुम मर्डरर को भी पकड़ लेते हो, तो फिर तुम ये कैसे प्रूफ करोगे कि वही आदमी मुजरिम है? इसका प्रूफ कौन देगा? उस केस से रिलेटेड कोई अब तक जिंदा भी तो नहीं है? नहीं, विक्रांत ने नैना के बीच में ही करेक्ट करते हुए कहा, एक है, एक बच्चा अभी भी जिंदा है, नितिन खरबंदा अभी भी जिंदा है, हो सकता है अभी भी जिंदा हो सकता है, उसके मरने का अभी कोई सबूत नहीं मिला है और पूरा चांस है कि वो अभी जिंदा है। उसके गाल में दाएं तरफ एक बड़ा सा तिल है और आंखें थोड़ी भूरी हैं। लेकिन फिर भी इस बच्चे को जिंदा होने के चांसेस बहुत कम है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर वो जिंदा होता तो अब तक सामने आ चुका होता? उसे बच्चा मत कहो, अगर वो जिंदा है तो अब तक 30 साल से भी ज्यादा उम्र का है, हम दोनों से बड़ा। अच्छा वैसे एक बात तो है, ये केस बहुत ही पेचीदा है, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक काम करते हैं, नैना ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैं कल खुद ही पुष्कर से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि तुम मेरे साथ इस केस पर काम करोगे और फिर हम दोनों साथ में नितिन खरबंदा को ढूंढने चलेंगे, क्या कहते हो, ठीक रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
कल ही बात करना, विक्रांत ने चहकते हुए कहा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि नैना उसके इतने करीब आ सकती है। रात हो चुकी थी। नैना इस वक्त अपनी व्हाइट पजेरो में फराटे भरते हुए कहीं जा रही थी। स्ट्रीट लाइट की चमक बार बार उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नैना को सोचते हुए मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अभी अचानक से उसका फोन बज पड़ा। हेलो, नैना ने कान में लगा ब्लूटूथ ऑन करते हुए कहा। कैसे हैं बेटा, कहाँ है अभी? वहाँ नए ऑफिस में सब ठीक है ना? फोन पर दूसरी तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं ठीक हूँ माँ, और अब फिर से जॉब के बारे में पूछना शुरू मत कर देना, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। कैप्टन ने मुझे एक बकवास से केस पर काम करने के लिए लगा दिया है। मुझे पुलिस ऑफिसर मंजू सचदेवा के मर्डर केस पर काम करने पर लगा दिया है। इतना काम करना पड़ रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ। ऊपर से एक इडियट और मिल गया है। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं उसकी। कौन इडियट? और जब शक्ल नहीं देखना चाहती तो फिर क्यों देख रही हो? मैं क्या बताऊं मॉम, छोड़ो उसे, मैं बताऊंगी तब भी तुम कुछ समझ नहीं पाओगी। हाँ, मैं कहाँ से समझूंगी। वैसे ऐसा कौन सा लड़का पैदा हो गया है जिसे तुम पसंद भी नहीं करती और फिर भी वो तुम्हारे आसपास फटक रहा है? माँ मजाक मत करो अभी, नैना ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा। अचानक से नैना हंसने लगी। क्या हुआ तुझे, अचानक से हंस क्यों रही है? नैना की माँ ने सवाल किया। कुछ नहीं माँ, पता है आपको, मैंने उसे आज सही सबक सिखा दिया है। मैंने उस इडियट को बताया कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही हूँ और ये बहुत डेंजरस मिशन है, और वो वो इतना इडियट है कि मेरी सारी बातें सच मानकर बैठ गया। और पता है वो मुझसे क्या कह रहा था? तुम जो कहोगी मैं करूँगा, बस बस मेरा प्रमोशन करवा देना। इस वक्त विक्रांत अपने मकान मालिक की फल की दुकान पर बैठा हुआ था। गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में लिए हुए फ्रूट जूस की बोतल को मसल डाला। ओ, इतना बड़ा धोखा, इतनी कमीनी है ये, इसे तो अब मैं सबक सिखाऊंगा। दरअसल विक्रांत ने नैना के पास अपना अदृश्य माइक सेट कर दिया था, जिससे उसे नैना और उसकी माँ के बीच हो रही सारी बातचीत साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। विक्रांत का खून खौल उठा। उसे नैना से कभी इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी। उसे लगता था कि भले ही नैना उसे इतना चिढ़ती है, लेकिन कभी भी इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घोपेंगी। अभी आधे घंटे पहले की ही बात है, नैना ने उससे खुद ही कहा था कि वो उसके साथ मिलकर मंजू के मर्डर केस पर काम करेगी, और अब देखो इतनी ही देर में इसका असली रंग सामने आ गया। ये इतनी शातिर हो सकती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और मैं इसके इतने बहकावे में आ गया था कि मैं सच में हर किसी से छुप कर रह रहा था। मुझे तो लगा कि मैं सच में किसी सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा हूँ। शिट, इसको तो लाइन पर लाना ही पड़ेगा, मैं बताता हूँ इसे। अभी इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसने किसके साथ पंगा लिया, कमीनी। विक्रांत अपने दांत पीसते हुए मन ही मन नैना को जी भर के गालियां दे रहा था। उधर नैना को कुछ खबर नहीं थी, उसकी सारी बातें विक्रांत भी सुन रहा है। वो बेधड़क होकर अपनी माँ से बातें किए जा रही थी। तभी अचानक से उसकी माँ ने पूछा, अच्छा नैना, तुम पनवेल ब्रांच से कैप्टन की पोस्ट छोड़कर इसलिए डीएन नगर ब्रांच में सिर्फ टीम लीडर बनकर गई हो ताकि तुम 1994 वाले किडनैपिंग केस पर काम कर सको, है ना? अरे हाँ हाँ मेरी माँ, हाँ। तुम्हें ना जाने कैसे सब पता चल जाता है, नैना ने जवाब दिया। और मैं तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले साजिद को इंटेरोगेट करने के लिए गई थी ताकि पता लगा सकूं कि मंजू के मर्डर का कनेक्शन किडनैपिंग केस से है या नहीं। क्या पता साजिद को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया हो। और पता है माँ क्या हुआ, वो इडियट भी यही पता करने के लिए वहाँ साजिद के पास पहुँचा हुआ था और मुझे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। बोल रहा था कि मेरे पास शक्ति है, मैं किसी को भी वश में करके उसे सब सच सच बुलवा सकता हूँ। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उसे सबक सिखा दिया। पता है माँ, मैंने उसे बच्चों वाला खिलौना पकड़ा कर कह दिया कि ये सीक्रेट फोन है। अब वो उसे अपने हाथ में पहन के घूम रहा है। आहा, नैना जोर जोर से फोन पर हंसने लगी। विक्रांत गुस्से से लाल हो चुका था, उसका शरीर तमतमा उठा। जी कर रहा था कि अभी के अभी नैना का मुंह तोड़ कर रख दे। नैना बेटा, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नैना की माँ ने उसे समझाते हुए कहा। और फिर क्या हुआ, मंजू का कुछ कनेक्शन निकला? हो सकता है कि मंजू का मर्डरर कोई और हो, लेकिन उसका कनेक्शन किडनैपिंग केस से हो, ये मैं श्योर नहीं हूँ, नैना ने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि पहले जब इस किडनैपिंग केस के इन्वेस्टिगेशन को बंद किया गया था तो वो इस वजह से बंद हुआ था क्योंकि काफी दिनों तक हाथ पर मारने के बाद भी किडनैपर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था।
अब आप खुद ही सोचिए कि जब किडनैपर के बारे में उस वक्त कुछ पता नहीं चल पाया था तो अब वो भला कैसे किसी का मर्डर करके खुद को लाइट में ला सकता है। और ऊपर से मंजू सचदेवा तो पुलिस ऑफिसर थी, उनका मर्डर करने पर वो और ज्यादा मुसीबतों में पड़ सकता है। उनका मर्डर वो भला क्यों करेगा, नैना ने कहा। और अगर सच में मंजू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किडनैपिंग केस पर काम कर रही थी, तो फिर तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस केस पर काम कर रहे हैं। खास तौर पर तो वो इडियट विक्रांत, वो भी तो इतनी शिद्दत से काम कर रहा है, उसका तो पहले ही मर्डर हो जाना था। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, नैना की माँ ने दूसरी तरफ से कहा, तुम अभी किडनैपिंग वाले केस पर ध्यान दो जिसके लिए तुम वहाँ गई हो। ये मंजू के मर्डर केस में मत फंसो। अगर साजिद ने मंजू का मर्डर नहीं किया है तो एक बात समझ लो कि ये केस बहुत डेंजरस है। तुम किडनैपिंग वाले केस में काम करने के बाद किसी दूसरे काम में लग जाना, मंजू के केस से दूर रहना तुम्हें। मॉम फिर से शुरू हो गई ना तुम। मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, मैं अब तुम्हें कोई भी गलती नहीं करने देना चाहती, नैना की माँ ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा। अगर डीएन नगर के ब्यूरो चीफ तुम्हारे काम के आड़े आ रहे हो तो बताओ, मैं तुरंत उनका ट्रांसफर कर देती हूँ। और अगर तुम्हारे ब्रांच में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो बताओ, मैं पनवेल ब्रांच के तुम्हारे मनपसंद ऑफिसर्स की यहाँ डीएन नगर ब्रांच में ट्रांसफर कर दूंगी। एक मिनट, ये नैना की माँ कौन है? ये ऐसे कैसे ट्रांसफर करने की बात कर रही है? विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे वो उन दोनों की बातें सुनता जा रहा था उसकी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। नहीं मॉम प्लीज, आप कुछ मत करना। पिछली बार जब मेरी ब्यूरो चीफ से लड़ाई हुई थी तब आपने तुरंत ही उनका ट्रांसफर कर दिया था, और फिर मेरे डिपार्टमेंट वालों को भी शक हो गया था, मेरे से बात करने में भी लोग डर रहे थे। ऐसे तो कोई मुझसे दोस्ती करने से भी डरेगा। हाँ तो क्यों ना करती, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी तो उसको तो सबक सिखाना जरूरी था ना, नैना की माँ ने जवाब दिया। अच्छा मैं तुम्हारे अंकल अमृत को बोल दूंगी, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बोल देना। हे भगवान, ये क्या, ये कौन है? जब इसने सिर्फ थोड़ी सी बात और ब्यूरो चीफ का ट्रांसफर कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने तो नैना को किस किया था। विक्रांत की धड़कन तेज होगी, वो काफी डरा हुआ लग रहा था। नहीं मॉम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। अगर आप ऐसा करोगी तो फिर मैं बात भी नहीं करूंगी आपसे। बच्चे तुम मेरी बेटी हो, चिंता है मुझे तुम्हारी, और मैं अगर तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा? तुम्हें मैं खतरे में नहीं डाल सकती ना, नैना की माँ ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ रोड आ गई हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय बाय। इतना कहते हुए नैना ने फोन रख दिया। इसके बाद विक्रांत के सिस्टम से आने वाली आवाज बंद हो गई। विक्रांत गहरी सांस लेते हुए बैठ गया, उसके कानों में जतिन की कही हुई बात गूंजने लगी। उसने विक्रांत को बताया था कि नैना का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, वो बहुत पावरफुल है, और उसने चुटकी बजाते ही ब्यूरो चीफ तक का ट्रांसफर करवा दिया था। विक्रांत फिर से अपने गुस्से की घूंट पीकर रह गया। गुस्सा, डर और कंफ्यूजन, इस वक्त विक्रांत ये तीनों चीजें एक साथ अनुभव कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस शिकारी का भी कोई शिकार कर जाएगा, यानी कि नैना का यहाँ डीएन नगर ब्रांच पर आना सब कुछ उसकी प्लानिंग थी, और वो जानबूझकर यहाँ आई हुई है। वो हमेशा से 1994 वाला किडनैपिंग केस सॉल्व करना चाहती थी। ये मंजू मैडम का मर्डर केस और सीक्रेट मिशन सब कुछ बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई झूठी कहानी है। अब जबकि विक्रांत को सारी सच्चाई पता लग चुकी थी तो अब वो नैना से अपना बदला लेने का प्लान बनाने लगा। लेकिन इस बीच नैना की माँ का ख्याल आने से वो भयभीत हो उठा। विक्रांत मनी मन सोचने लगा कि आखिर नैना की माँ है कौन, वो कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई बड़ी लीडर, और अगर बड़ी लीडर भी है तब भी उसे इस तरह से इतने बड़े ऑफिसर का ट्रांसफर करने की बात तो नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर मैंने उसकी बेटी के साथ कुछ भी किया तो फिर वो पक्का मुझे भी नहीं छोड़ेगी। नैना तो बहुत शातिर निकली और डेंजरस भी, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही विक्रांत को एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि जिस तरह से नैना ने उसे अपने जाल में फंसाया उसे देखकर तो साफ लग रहा है कि मंजू मैडम के मर्डर में किसी न किसी अंदर वाले का जरूर हाथ है। अपने लाइट डिटेक्टर मशीन से विक्रांत ने इतना तो पता लगा लिया था कि मंजू का कत्ल साजिद ने नहीं किया बल्कि इसके पीछे किसी और का हाथ है, और शायद इसी वजह से विक्रांत बड़ी आसानी से नैना के लगाए हुए जाल में फंस गया था। जिन लोगों ने मंजू मैडम का मर्डर किया है वो वाकई में काफी खतरनाक लोग हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी निर्भीकता से एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। इस ख्याल के साथ विक्रांत थोड़ा और डर गया। अब अगर वो मंजू सचदेवा जैसी इतनी सीनियर ऑफिसर को मौत के घाट उतार सकते हैं तो फिर उनके लिए मेरे जैसे छोटे ऑफिसर को मारना तो बाएं हाथ का खेल है। अब मैं मंजू के केस पर काम करूं कि ना करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी हो मुझे अब बहुत सावधानी से अपना काम करना होगा, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा।
विक्रांत इस वक्त काफी असमंजस की स्थिति में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अगला स्टेप क्या ले। हैरान परेशान विक्रांत के दिमाग में इस वक्त हजारों तरह के सवाल उठ रहे थे। अभी विक्रांत को सोच ही रहा था कि उसे नैना के पास लगे माइक से एक और आवाज सुनाई देने लगी। इस वक्त नैना किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर थी, चारों तरफ काफी शोर शराबा मचा हुआ था। फिर किसी दूसरी भाषा में उसे नैना की बात करने की आवाजें सुनाई पड़ी। जहां तक विक्रांत को समझ में आ रहा था कि ये लोग या तो तेलुगु भाषा में बात कर रहे थे या तमिल में। विक्रांत को सिर्फ हिंदी आती थी और थोड़ी बहुत अंग्रेजी भाषा भी वो बोल सकता था, जबकि वो अपने सिस्टम की मदद से साफ सुन पा रहा था कि नैना भी उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बात कर रही थी। वो भी तेलुगु या तमिल जैसी कोई भाषा बोल रही थी। दो चार शब्द बात करने के सुनाई देने के बाद वहां से किसी के गिरने और चीखने की आवाजें आने लगी। वहां नैना किसी के साथ मारपीट कर रही थी। ध्यान से सुनने पर विक्रांत को समझ आया कि नैना किसी पंचिंग बैग पर मार रही थी। इस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे और नैना अभी मार्शल आर्ट्स की क्लास में थी। वो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। ये जानकर तो डर के मारे विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक पल में नैना के साथ हुई फाइट याद आ गई। जब विक्रांत ट्रेनिंग सेंटर में नैना से भिड़ा था तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया था। भले ही नैना उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी, लेकिन फिर भी विक्रांत उस एक्शन सीन को कभी नहीं भूल सकता। बधाई हो, अचानक से विक्रांत के अदृश्य शक्ति के सिस्टम का मैसेज आ चुका था। विक्रांत का आज का सक्सेस रेट 85% का था और उसे एक गिफ्ट मिला था। 85%! विक्रांत चौंक उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सक्सेस रेट इतना ज्यादा हो सकता है। वो अपने पिछले दिन को याद करने लगा। उसे अदृश्य शक्ति द्वारा पानी और पहाड़ कोडवर्ड दिया गया था। पानी का मतलब लड़की से था और विक्रांत ने इस कोडवर्ड के चलते नैना के साथ काफी वक्त बिताया था, लेकिन उसे पहाड़ कोडवर्ड का मतलब नहीं समझ आ रहा था। आज पूरे दिन भले ही विक्रांत अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कोई खास सफलता तो नहीं मिली थी। फिर आखिर सक्सेस रेट 85% तक कैसे पहुंच गया? उसे लगा कि हो सकता है मुझे पता नहीं चल रहा हो और मैं अपना काम सही दिशा में कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही हो। इसी सोच के साथ विक्रांत ने अपने गिफ्ट को खोला। आज उसे गिफ्ट के तौर पर एक सिग्नल एम्पलीफायर दिया गया था। ये गिफ्ट कुछ खास नहीं था, ये तभी काम आता है जब आप किसी ऐसी जगह फंसे हो जहाँ ढंग से नेटवर्क नहीं पकड़ता है। जैसे कि जब पिछली बार विक्रांत सुरंग में फंसा था, तब उसने इसी एम्पलीफायर की मदद से अपने फोन के सिग्नल रेंज को बढ़ाकर पुलिस को अपनी लोकेशन सेंड की थी। ऐसी सिचुएशन में ये डिवाइस बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा ये किसी काम की नहीं है। लेकिन अभी विक्रांत इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसका पूरा दिमाग तो इस बात पर लगा था कि वो अब सारी सच्चाई जानने के बाद नैना के साथ काम कैसे करेगा। एक बात तो पक्की है कि वो अभी किसी भी हालत में नैना को ये नहीं जाहिर होने देगा कि उसे सारी सच्चाई पता है। और दूसरी बात, उसके दिमाग में ये आ रही थी कि क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं या नहीं, और अगर मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो फिर कल से कैसे काम करूंगा, क्या करूंगा। एक बात यहाँ विक्रांत को और समझ में आ गई थी कि नैना उसके साथ इसलिए नहीं काम करने को तैयार हो रही थी क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती थी। दरअसल नैना खुद पुष्कर और चेतन को पसंद नहीं करती है, इसलिए विक्रांत को अपना मोहरा बनाना चाहती थी। सच में ये लड़की बहुत चालाक है, ये मुझे यूज कर रही है, फिर भी मुझे ऐसा दिख रही थी कि ये मेरी मदद कर रही है। इसके बाद विक्रांत थोड़ी और देर तक नैना की बातों को सुनता रहा। वह मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के बाद नैना अपने घर आ गई। उसके बाद उसने ज्यादा किसी से फोन पर बात नहीं की। उसने एक दो लोगों से फोन पर बात की थी, लेकिन नॉर्मल बात ही थी। घर पहुंचने के बाद नैना बाथरूम में नहाने के लिए गई हुई थी, सो वहां से पानी के गिरने की आवाज विक्रांत को सुनाई पड़ रही थी। इस वक्त विक्रांत के दिमाग में ये खुराफात भी आया कि काश मेरे पास एक सर्विलांस कैमरा होता तो मैं उसे इस कमीनी के पास लगा देता, इसे नहाते हुए देखता। अंत में विक्रांत ने फिर से केस के बारे में थोड़ा सोच विचार किया। उसने अपने अगले दिन की प्लानिंग की और फिर धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उस रात सपने में भी उसने नैना का भयानक हंसता हुआ चेहरा देखा। उसने सपने में देखा कि वो नैना को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। नैना ने उसे जो हैंड वॉच दी थी वो विक्रांत ने अपने हाथ में पहना हुआ था। वो नैना को लगातार किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके होठों तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर विक्रांत सपने में ही नैना के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा और तभी उसकी नींद खुल गई। अब तक भोर हो चुकी थी। विक्रांत उठकर बिस्तर पर बैठ गया और तभी उसे अदृश्य शक्ति द्वारा दिया गया कोडवर्ड मिल गया। आज उसे फिर से पानी और पहाड़ कोडवर्ड दिया गया था। लगातार दूसरे दिन भी उसे सेम कोडवर्ड मिला था। विक्रांत को याद आया कि जब उसने योगेंद्र चोपड़ा को कर्जत में सुरंग के भीतर जाकर पकड़ा था
तब भी उसे कई दिनों तक लगातार यही कोड वर्ड मिल रहा था और अब भी ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब आज कुछ बड़ा होने वाला है या एक या दो दिन में ही मुझे कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। अगर ऐसा है तो फिर मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और मुझे इसी दिशा में काम करते रहना चाहिए। इसी सोच के साथ विक्रांत आज काफी उत्साहित हो रहा था। वो फटाफट सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहाँ पहुंचकर उसे पता लगा कि अभी नैना स्टीम हेड पुष्कर से कोई बात नहीं की है, इसलिए वो सीधे ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अपने टांके कटवाने के लिए चला गया। वहाँ विक्रांत ने अपने सिर में और कंधे पर लगे सारे टांके कटवा दिए। इसके साथ ही उसने सिर में बंधी पट्टी भी खुलवा दी। अब वो काफी हल्का फील कर रहा था, मानो उसके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। अभी विक्रांत अपनी पट्टी निकलवाकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से बाहर निकल ही रहा था कि उसके पास नैना की कॉल आई। नैना ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। टांके कटवाने के बाद वो सीधे ही ऑफिस के बाहर गेट पर खड़े होकर नैना का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में नैना अपने सफेद रंग के पजेरों में आती दिखाई पड़ी। उसे देखकर तो विक्रांत का खून खौल उठा, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त उसे सब्र से काम लेना है। वो तुरंत ही नैना की गाड़ी में सवार हो गया और दोनों प्लानिंग के हिसाब से काम में जुट गए। इस वक्त विक्रांत के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। आखिर में वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका और उसने नैना से पूछ ही लिया, अच्छा नैना ये बताओ, जब तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से गाड़ी मिली हुई है तो फिर तुम अपनी गाड़ी से क्यों चलती हो? आदत हो गई है, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी में सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है, सो ये मेरे लिए सेफ रहती है। अच्छा, विक्रांत ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जबकि उसे सच्चाई पता थी। वो अच्छे से जान रहा था कि नैना झूठ बोल रही है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आज शुरू कहां से करना है, नैना ने विक्रांत की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा। विक्रांत ने नैना के आगे चार लोगों की फोटोग्राफ रख दी और फिर फोटोग्राफ्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये चार मैंने कल पता किया था, ये चारों सबसे ज्यादा सस्पेक्टेड हैं, हमें इनकी सारी डिटेल निकालनी है। ठीक है, तो फिर पहले से शुरू करते हैं, नैना ने सबसे ऊपर पड़ी फोटो को अपने हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखते हुए कहा। ना, दूसरे से, विक्रांत ने वो फोटो नैना के हाथ से खींच ली और दूसरी फोटो उसके हाथ में पकड़ा दी। अशोक, क्यों? नैना ने फोटो के नीचे लिखे नाम को पढ़ते हुए पूछा। क्योंकि ये आदमी करजत माइंस में बहुत पहले से काम कर रहा है, जब गजेंद्र को उस खदान का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था उससे भी पहले से। और सबसे खास बात यह है कि ये आदमी माइंस के भीतर विस्फोट करने वाली टीम का हेड था और इसका घर भी पोसारी में है जहाँ गजेंद्र था। तो हो सकता है कि इसे किडनैपिंग केस के बारे में काफी कुछ पता हो। ओ सच में, ये बम एक्सपर्ट था, नैना ने चौंकते हुए पूछा। तो फिर ये बात तो हमें तुरंत ही टीम लीडर्स से बतानी चाहिए। तुमने बताया क्यों नहीं अभी तक? तुम टीम बी की लीडर हो ना, तो जाओ बताओ। नैना विक्रांत के बोलने के टोन से ही समझ गई थी कि वो गुस्से में है। उसे लगा कि विक्रांत पुष्कर से चिढ़ता है, इसलिए उसने कुछ बताया नहीं। सो बिना किसी सवाल के उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों करजत पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। नैना के साथ जाने का एक फायदा तो विक्रांत को ये मिल रहा था कि उसे काफी खुद से ड्राइविंग नहीं करनी पड़ रही थी, साथ ही रास्ते में नैना से केस को लेकर काफी बातचीत भी हो रही थी। मैंने सुना है कि नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, मिसिंग डिपार्टमेंट को गायब हुए बच्चे नितिन खरबंदा के सिमिलर चेहरे वाले कुछ लोग मिले हैं। हाँ मिले तो हैं, उनमें से कोई नितिन नहीं था, डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला है, विक्रांत ने सामने रोड की तरफ देखते हुए जवाब दिया। अच्छा, नैना ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा सही बात है, इतने दिन पहले गायब हुए बच्चे को ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने जैसा ही है। अच्छा विक्रांत, तुम्हें नहीं लगता कि ये बच्चों का कोई प्रैंक था? क्या पता किसी बच्चे ने मजे लेने के लिए दूसरे बच्चे को छुपाने की कोशिश की हो और फिर बाद में मामला एकदम सीरियस हो गया हो। क्या बात कर रही है यार, वो 10-10-12 साल के बच्चे थे और बात आज से 26 साल पहले की है। तब ना तो बच्चे इतने होशियार हुआ करते थे और ना ही इतना प्रैंक वगैरह करने का चलन था। और अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि बच्चे प्रैंक कर रहे थे तो फिर वो पैसे क्यों मांगते? और फिर सुरंग के भीतर बच्चों की लाश, बम विस्फोट, ड्राइवर की मौत, ये सब तो बच्चों का काम नहीं हो सकता ना? सही बात है, नैना ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। नैना की उत्सुकता देखकर विक्रांत को साफ पता चल रहा था कि वो इस केस पर काम करने को लेकर कितनी उत्सुक नजर आ रही है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक से नैना ने डीसीपी डिसूजा साहब की बात छेड़ दी। मैंने ब्यूरो चीफ अभिजात सर से सुना है कि वो और डीसीपी डिसूजा सर एक ही टीम में काम किया करते थे और वो जब यंग हुआ करते थे तब उन्होंने बहुत से बड़े बड़े केस सॉल्व किए हुए हैं। अपने जमाने में उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुजरिमों को जेल तक पहुँचाया, उन्हें काफी एनकाउंटर भी किए। हाँ सुना तो मैंने भी है उनके बारे में, वो बहुत तेज तर्रार ऑफिसर थे अपने जमाने के। विक्रांत के खांसने के साथ उसे डीसीपी डिसूजा साहब की याद आ गई और
उनके बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा था। अमृतसर तो बोल ही रहे थे कि अगर डीसीपी डिसूजा साहब अभी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहें तो वो भी यहाँ के ब्यूरो चीफ होते, लेकिन अब वो कोई पद नहीं लेना चाहते हैं, वो दूर रहकर ही डिपार्टमेंट को अपना सपोर्ट देंगे। विक्रांत अभी मन ही मन नैना को गालियां दे ही रहा था। नैना को सबक सिखाने को लेकर उसके दिमाग में तरह तरह की तरकीबें चल रही थी। वैसे ये डिसूजा सर भले ही अब बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी अपना दिमाग खूब चलाते हैं। ना जाने क्यों नैना डीसीपी डिसूजा के बारे में बात करने को काफी इंटरेस्टेड लग रही थी। उन्होंने अपने सिर की सर्जरी करवा ली और ठीक भी हो गए, तब भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वो तो ब्यूरो चीफ अमृतसर अचानक ही उनसे मिलने के लिए चले गए, तब जाकर पता चला कि उन्होंने सर्जरी करवाई थी और अब बिल्कुल ठीक हैं, वरना किसी को उनके बारे में खबर ही नहीं होती। विक्रांत एक मिनट तक सोचता रहा, फिर अचानक से बोल उठा, क्या क्या कहा तुमने अभी? ए नैना हंस पड़ी, मतलब तुम्हें भी डिसूजा सर के बारे में कुछ पता नहीं है जबकि तुम उन्हीं के ऑफिस में काम करते हो। ओ गॉड, सच में डिसूजा सर तो बहुत चालाक है। बट कोई नहीं, छोड़ो तुम, क्या हुआ? हेलो विक्रांत, विक्रांत क्या हुआ तुम्हें? ये बुड्ढा, विक्रांत गुस्से से तिलमिला उठा, यहाँ तक कि उसके माथे में लगी चोट से हल्का खून रिसने लगा। ये भी साला, ये बुड्ढा भी मेरे साथ गेम खेल रहा है। सभी अपने अपने फायदे में लगे हुए हैं, लेकिन फिर अगले एक क्षण विक्रांत को एहसास हुआ कि भले ही डीसीपी डिसूजा साहब ने उससे झूठ बोला है लेकिन उनका उद्देश्य विक्रांत को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो विक्रांत का भला चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। उन्हें लग रहा था कि कहीं विक्रांत सस्पेंड होने के डर से नौकरी ना छोड़ दे, इसलिए ही उन्होंने अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर विक्रांत को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का मौका दिया था। उन्होंने तो विक्रांत को अपनी खास डायरी भी दी हुई थी जिसमें उनके द्वारा कलेक्ट की हुई सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट थी। वो डायरी देकर ही उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो विक्रांत पर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी विक्रांत को अभी इस बात का थोड़ा बहुत दुख तो था ही कि डिसूजा सर ने उसे झूठ बोला था, उसे बेवकूफ बनाया था। नैना की ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी। बहुत जल्दी वो लोग उसारी में स्थित अशोक के घर के पास पहुंच गए। विक्रांत को अभी तक अशोक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से वो पहले करजत माइंस के पास अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाता था। इस कंपनी का काम माइंस के अंदर खुदाई करने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा देना था। वो खुदाई करने से लेकर खदान में से माल बाहर निकालने और फिर उसे मार्केट में बेचने तक सारे काम अपनी कंपनी के थ्रू करता था। उसका ये बिजनेस बहुत चला था और आज भी वो ये काम करता है। इसके साथ ही वो और भी कई तरह के बिजनेस करता है। इस तरह उसने अपना हेडक्वार्टर मुंबई में बना रखा है। यहाँ पुसारी में उसका पुश्तैनी घर है। यहाँ अब वो कभी कभी ही आता जाता है। उसके घर पहुंचने से पहले विक्रांत ने उसे 2-3 बार कॉल करने की भी कोशिश की थी लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाई। या तो उसका नंबर इनवैलिड था या कोई कॉल उठा नहीं रहा था। इसके बाद जब विक्रांत और नैना उसके घर पहुंचे तो उसका घर इतना भव्य बना हुआ था कि उसे देखकर ही दंग रह गए। घर के बाहर खूब बड़ा सा गार्डन और फिर बीचों बीच फाउंटेन, उसके साइड में गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह थी जिसमें काफी महंगी महंगी कार खड़ी थी। विक्रांत कुछ पल तो हक्का बक्का होकर इधर उधर नजर ही फेरता रहा। जब नैना और विक्रांत घर के भीतर दाखिल हुए तो वहां उन्हें सिर्फ अशोक का पोता ही मिला। उसने बताया कि दादाजी ज्यादातर मुंबई में ही रहते हैं, यहां तो बहुत कम ही आते हैं, अगर आपको उनसे मिलना है तो वहीं मुंबई में जाना पड़ेगा। विक्रांत ने अशोक के पोते से भी कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश की लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। कुल मिलाकर अगर विक्रांत को अशोक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उससे मिलना ही पड़ेगा। विक्रांत ने अशोक के पोते से उसका फोन नंबर लिया और फिर वहीं खड़े खड़े उसने अशोक के पास कॉल कर दिया। फोन अशोक की लेडी असिस्टेंट ने उठाया। उसने विक्रांत से मिलने का कारण पूछा और फिर विक्रांत ने भी सारी बात उसको बता दी। फिर उसने अगले हफ्ते के किसी दिन के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करके विक्रांत को ऑफिस आने के लिए बुला लिया। विक्रांत कुछ कहने ही वाला था कि उसने फोन रख दिया। विक्रांत को बड़ा गुस्सा आया। ये अमीर लोग साले खुद को समझते क्या है, 2 मिनट बात कर लेने में इनका क्या चला जाता है, अब मैं इससे मिलने के लिए इसके टाइम के हिसाब से जाऊंगा क्या? हद हो गई है, इस साले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नैना ने अशोक के घर को देखकर ही उसके दाम का अंदाजा लगा लिया था। उसने विक्रांत से कहा, विक्रांत हमें इस पर नजर रखनी होगी, ये बहुत पैसे वाला लग रहा है, पक्का इसे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। इसके बाद विक्रांत और नैना के पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो दोनों दूसरे सस्पेक्ट से मिलने के लिए निकल पड़े। उसका घर भी वही पोसारी के आसपास ही था। इसकी उम्र भी अशोक की ही तरह तकरीबन 80 साल के करीब ही रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तक आए हैं तो कम से कम इसी से कुछ पूछताछ कर लें।
इस आदमी को खोजने में उन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। बड़ी आसानी से उसका घर विक्रांत और नैना को मिल गया था। और दूसरी बात, इस आदमी की उम्र भले ही बहुत ज्यादा थी लेकिन बंदे में एनर्जी कमाल की थी। उसने बड़ी आसानी से जो कुछ भी उसे पता था वो सब कुछ विक्रांत और नैना को बता दिया। वो करजत माइंस में गजेंद्र ठाकुर के लिए काम करता था। वो अकाउंट का काम देखता था, फिर भी वो अशोक को अच्छे से जानता था। उसने बताया कि माइंस में अशोक ही सारा काम मैनेज करता था। वो अपने जमाने में काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी था और शायद इसीलिए गजेंद्र को उस पर बड़ा भरोसा था और उसने पूरे माइंस की जिम्मेदारी उसे ही दे रखी थी। और अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बहुत पैसे वाला हो गया है। विक्रांत ने तो बेझिझक होकर उससे पूछ भी लिया कि अशोक को डायनामाइट या माइंस के अंदर होने वाले विस्फोट के बारे में कितनी नॉलेज थी, यानी क्या वो बॉम्ब एक्सपर्ट भी था। हाँ बिल्कुल था, अशोक की कंपनी का मेन काम ही माइंस के भीतर ब्लास्ट करने का था, उसे तो सब पता ही था। ये सुनकर नैना और विक्रांत दोनों ही सकते में आ गए। अब तो ये आदमी और ज्यादा संदिग्ध लग रहा है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी हो गया। विक्रांत ने तुरंत ही राघव के पास फोन किया और उसे अशोक का नाम बताते हुए उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कह दिया। उसने राघव से कहा कि मुझे इस आदमी की सारी डिटेल चाहिए, एवरीथिंग, क्या बिजनेस है, कैसे काम करता है, फैमिली में कौन कौन है, बच्चे, बीवी, रिश्तेदार, सब कुछ, सारी डिटेल निकाल कर जल्दी से जल्दी दो। विक्रांत के बोलने के टोन से ही राघव समझ गया कि विक्रांत बहुत इम्पोर्टेंट काम उसे दे रहा है। सो उसने भी विक्रांत के काम को बहुत सीरियसली लिया और उससे कहा कि मैं जल्द से जल्द सारी डिटेल निकलवा कर दे रहा हूँ। इसके बाद नैना और विक्रांत बाकी बचे हुए दो संदिग्धों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़े। बाकी बचे हुए दोनों को ढूंढने में भी उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं, वो सभी भी वहीं आसपास एरिया के ही थे। उन दोनों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो सिर्फ माइंस में उस वक्त काम करते थे। हालांकि वो अशोक के नाम से तो जानते थे लेकिन उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। और दूसरी बात, उन दोनों की याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए नैना और विक्रांत ने डिसाइड किया कि इन चारों से सबसे ज्यादा संदिग्ध अशोक ही है और उसी के इर्द गिर्द अपनी जांच करने का फैसला किया। अशोक मेहता, नैना ने संदेह भरे लफ्जों में नाम लेते हुए कहा, यह नाम हमारे पुलिस रिकॉर्ड में तो कहीं नहीं है ना, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? इसमें पता क्या चलना है? विक्रांत ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं बस गजेंद्र ठाकुर का जिस के साथ कनेक्शन था उसे ढूंढ रहा था और ये मिल गया। लेकिन नैना ने थोड़े शक भरे लफ्जों में पूछा, और भी पुलिस वाले इतने दिनों से इस केस पर काम कर रहे थे लेकिन उन्हें तो कभी इसके बारे में पता नहीं चला, तुम्हें कैसे पता चल गया? और पुलिस वाले सिर्फ करजत माइंस के आसपास ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे लेकिन मैं एक एक आदमी को लेकर उससे जुड़े लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करता हूँ, इसलिए सिंपल है, विक्रांत ने नैना को एक्सप्लेन कर दिया। वैसे विक्रांत सही भी कह रहा था, इसके इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही था। वो पर्सनली एक एक को इन्वेस्टिगेट करता था, उसकी आदत पिछले जन्म से ही थी। पिछले जन्म में जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तब उसका काम अपने बॉस के लिए वसूली करने का ही था और तब वो अपने बॉस के कर्जदारों को ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर उनसे पैसे वसूलता था। ओ ये बात है, नैना ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा कि तुम कोई फिर से बेवकूफी वाला रीजन दोगे। मेरे पास शक्ति है, मैं सब जान लेता हूँ, मेरे पर भगवान का आशीर्वाद है, ऐसा कुछ। वैसे विक्रांत तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम आज बहुत बदले बदले से लग रहे हो, आज पहले जैसे बात नहीं कर रहे, बिल्कुल अलग लग रहे हो, कैसे रहूं फिर? अगर कुछ इधर उधर किया तो फिर तो मेरा बैंड ही बच जाएगा, विक्रांत ने मन ही मन सोचा, लेकिन डर के मारे वो नैना से कुछ नहीं कह सका। ओ अब क्या करूं मैं, कैसे रहूं मैं, कुछ करूं तो भी दिक्कत, ना करूं तो भी दिक्कत, अब तुमको चिढ़ाता हूँ तो फिर तुम नाराज भी होने लगती हो, इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ सीरियस ही रहूंगा। नैना कुछ सोच ही रही थी, उसने विक्रांत की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। एक बात बताओ, ये गजेंद्र ठाकुर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे मेरे एक दोस्त ने उसके बारे में बताया था, विक्रांत ने सीरियस होते हुए जवाब दिया। मेरे दोस्त चाहते थे कि मैं इसके बारे में, अरे रुको रुको रुको, एक मिनट। नैना अपनी बाहें समेटने लगी, उसे ऐसा करते देख विक्रांत की आवाज कांपने लगी। उसने फिर तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए कहा, दरअसल मैंने वहां करजत पहाड़ी के सुरंग में एक मुजरिम को पकड़ा था, फिर मुझे वहां से शक हुआ था कि ये किडनैपर जरूर इस सुरंग में काम करता रहा होगा, फिर वहीं से मुझे गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता चला और मेरा शक उस पर गया। विक्रांत ने एक ही सांस में सारी बात सच सच कह डाली। उसके बाद उसने नैना को चेताते हुए कहा, देखो तुम मुझे यहाँ ना मारना वरना यहाँ आसपास कोई खाई है, मैं नीचे गिर सकता हूँ। अब तुमने सही बात की, अब ठीक है। नैना इस वक्त एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से वो अपनी शर्ट की बाहों को सही करने लगी। फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, विक्रांत अगर हम गजेंद्र से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो तुम्हें नहीं लग रहा कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? एक आदमी और है जिसे हम छोड़ रहे हैं।
कुछ दिनों बाद विक्रांत फिर से आर्थर रोड जेल में पहुंचा हुआ था। आज वो यहाँ पर रघुराज ठाकुर नाम के एक आदमी से पूछताछ करने आया हुआ है। रघुराज ठाकुर उम्र 50 वर्ष, ये भी पुसारी का ही रहने वाला है। बाप का नाम गजेंद्र ठाकुर, यही वो शख्स था जिसके छूटने की बात नैना विक्रांत से कर रही थी। वैसे गजेंद्र ने तो एक से ज्यादा शादी की थी और उसके बच्चे भी कई थे, लेकिन सबसे पहली शादी से उसका यही एक बेटा था। ये जेल में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पिछले 15 सालों से सजा काट रहा है। जब 1994 में किडनैपिंग केस हुआ था तो उस वक्त ये काफी जवान रहा होगा। इसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल रही होगी। हो सकता है कि उसे अपने बाप गजेंद्र ठाकुर के काम धंधों के बारे में काफी कुछ पता हो। इसी अनुमान के साथ विक्रांत और नैना उससे पूछताछ करने के लिए आए हुए थे। रघुराज ने मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन रमाकांत अग्रवाल के ऊपर चाकू से हमला किया था। बहुत मुश्किल से रमाकांत की जान बच पाई थी। तुम तो कह रहे थे कि ये बड़ा शरीफ आदमी है, ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा है, नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा। हाँ, तो मैंने जो सुना था वो बताया ना, मुझे क्या पता इसके बारे में, विक्रांत ने अपनी तरफ से नैना को सफाई देते हुए कहा। रमाकांत अग्रवाल, ये नाम काफी सुना सुना सा लग रहा है, विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम रमाकांत अग्रवाल को नहीं जानते, मुंबई के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके ऊपर अटैक भी हुआ था ना एक बार, नैना ने विक्रांत को याद दिलाने की कोशिश की। मुझे याद है जब उन पर अटैक हुआ था, खबर आई थी कि बीच सड़क में उनके ऊपर किसी ने चाकू से हमला कर दिया था। उस साल शायद मैं 10वीं या 11वीं की परीक्षा दे रही थी। पूरे शहर में हलचल मच गई थी। सुनने में आया था कि उनके ऊपर चाकू से कई बार वार किया गया था, मौत के मुंह से बचकर आए थे। हाँ शायद, विक्रांत ने हामी भरते हुए कहा। तभी उसे अचानक से याद आया कि रमाकांत अग्रवाल तो रोहित के बाप का नाम था। ओह, तो ये वही है। रोहित वही लड़का था जो विक्रांत की पहली गर्लफ्रेंड जिया को प्रपोज करने के लिए हॉस्पिटल फूल लेकर पहुंच गया था। और फिर विक्रांत ने अपने ब्लांड गैंग के साथ मिलकर उससे पैसे लूट लिए थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये रघुराज बिजनेसमैन रमाकांत अग्रवाल को मारना क्यों चाहता था और इतना बेधड़क होकर मार रहा था कि बीच सड़क पर चाकू से अटैक कर दिया? क्या पता कोई दुश्मनी रही हो, पुरानी रंजिश, विक्रांत ने शक जताया। तभी इन्वेस्टिगेशन रूम में लगे लोहे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। जेल के दो गार्ड रघुराज का हाथ पकड़कर अंदर ले आए और उसे नैना और विक्रांत के सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया। रघुराज की एक आंख बंद थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आंख में कुछ घोंप दिया था। उसे सिर्फ एक ही आंख से दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में इस हालत में उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। गार्ड्स ने बताया कि जब वो जेल में आया था तो उसके दूसरे साल ही उसकी अन्य कैदियों से लड़ाई हो गई थी और फिर उसी में से किसी ने उसको आंख में लोहे का रॉड घोंप दिया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि रघुराज की आंख को रमाकांत अग्रवाल के कहने पर फोड़ा गया था। उसने पैसे देकर जेल के किसी कैदी से ये काम करवाया था। इस वक्त विक्रांत और नैना किडनैपिंग केस से जुड़ी पूछताछ करने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो उन्हें रमाकांत अग्रवाल और रघुराज की दुश्मनी की कहानी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उससे जुड़े सवाल करने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं थी। इसीलिए विक्रांत ने सीधे ही रघुराज से केस से जुड़े सवाल पूछने शुरू किए। रघुराज ने भी उन दोनों के इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग किया और उसे जो कुछ भी पता था उसने सब कुछ विक्रांत को बता दिया। साल 1994 के वक्त उसकी उम्र कोई 24 साल थी। वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। दिन भर घूमना फिरना, लड़कीबाजी, जुआ, शराब, नशा, यही उसकी जिंदगी थी। उसे अपने बाप के काम से कोई मतलब नहीं था। बस उसे इतना पता था कि जब भी उसे जितने पैसे की जरूरत हुआ करती थी उसका बाप उसके हाथ में रख देता था। ना तो रघुराज ने कभी अपने बाप के बिजनेस और उसके काम के बारे में जानने की कोशिश की और ना ही गजेंद्र ठाकुर ने उसे कभी कुछ बताया। यहाँ तक कि रघुराज अपने बाप के लिए काम करने वाले अशोक के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। उसने तो अशोक का कभी नाम भी नहीं सुना था। काफी देर तक रघुराज के साथ सवाल जवाब करने के बाद जब विक्रांत और नैना को भरोसा हो गया कि यहाँ से कुछ पता नहीं चलने वाला है, तब वो अपनी पूछताछ खत्म करके जाने लगे। विक्रांत और नैना जेल के इस कमरे के बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से नैना के दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने रघुराज से पूछ लिया, वैसे तुम्हारी रमाकांत अग्रवाल के साथ क्या दुश्मनी है, तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी? उस आराम के पिल्ले का नाम मत लो। रमाकांत का नाम सुनते रघुराज गुस्से में उबल पड़ा। उस हरामी की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। वैसे तो गजेंद्र का परिवार मुंबई शहर में काफी दूरी पर रहता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों रमाकांत अग्रवाल उसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया था कि गजेंद्र और उसके पूरे परिवार की मौत के पीछे रमाकांत का ही हाथ था। रघुराज ने बताया कि उस वक्त रमाकांत अग्रवाल भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में उतर आया था और फिर वो धीरे धीरे लोनावला तक के मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो गजेंद्र ठाकुर के बिजनेस को जानबूझकर बर्बाद करने में लगा हुआ था। कई बार तो उसने गजेंद्र के शॉप पर चोरी वगैरह भी करवाई थी।
उस वक्त भी रमाकांत बहुत पावरफुल बिजनेसमैन हुआ करता था। उसकी पहुंच काफी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर तक थी और उसकी मदद से वो गजेंद्र के बिजनेस को बर्बाद करने में लगा हुआ था। फिर उसने अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए गजेंद्र को अपना बिजनेस ठप करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन ही रहा होता तो इतनी बात ना बिगड़ती होती। गजेंद्र का बिजनेस बर्बाद होने के बाद भी रमाकांत लगातार उसे परेशान करता रहा। रमाकांत ने गजेंद्र की बेटी यानी कि रघुराज की बहन का रेप भी करवाया था और फिर उसके कार का एक्सीडेंट करवा कर उसे मार डाला था। तब गजेंद्र बहुत डर गया था और फिर उसने अपने इकलौते बेटे रघुराज को घर से बाहर कहीं छुपा दिया था ताकि रमाकांत उसके बेटे तक कभी ना पहुंच सके। उसके कुछ दिन बाद ही अचानक से गजेंद्र की भी मौत हो गई और फिर उसकी पत्नी यानी कि रघुराज की मां ने भी सुसाइड कर लिया था। उस वक्त जब रघुराज को पता चला कि रमाकांत की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, तभी उसने रमाकांत अग्रवाल को खत्म करने का फैसला कर लिया था और फिर जब उसे मौका मिला तब उसने रमाकांत को बीच सड़क पर चाकू से गोद डाला था। रघुराज ने तो रमाकांत अग्रवाल को मौत की नींद सुनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रमाकांत की किस्मत अच्छी निकली और वो बच निकला। फिर उसने रघुराज को भी नहीं बख्शा। वो तो अच्छा हुआ रघुराज जेल में चला गया, वरना रमाकांत उसकी भी जान ले लेता। रघुराज के जेल में जाने के बाद भी वो अपनी ताकत और पहुंच का इस्तेमाल करके रघुराज पर अटैक करवाने में सफल रहा। सुनने में तो ये भी आया कि रमाकांत ने जेल के कुछ पुलिस वालों को भी पैसे खिलाए थे और उन्हीं की मदद से जेल के भीतर लोहे का रॉड पहुंचा था। रघुराज की स्टोरी सुनकर नैना और विक्रांत का दिल भर आया। नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले भी रमाकांत अग्रवाल के बारे में सुना है, वो बहुत पावरफुल बिजनेसमैन है, उसकी पहुंच पार्लियामेंट तक है, इसीलिए इतना कुछ करने के बाद भी आज तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है, उसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता है। नैना की बात सुन विक्रांत हंस पड़ा। वो मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं है। गजब इत्तेफाक ये है कि इस वक्त SSP रौनित चौहान भी रमाकांत की ही कंपनी अग्रवाल कॉरपोरेशन की जांच कर रहे थे। लेकिन नैना ने कुछ सोचते हुए बोला, सिर्फ बिजनेस कंपटीशन के चलते इतना वायलेंस, सिर्फ अपना बिजनेस सेट करने के लिए कोई इंसान एक लड़की का रेप और मर्डर कैसे कर सकता है, इसमें तो कुछ पर्सनल दुश्मनी लग रही है। इसी तरह के कुछ पल तक सोचते रहने के बाद अचानक से नैना ने रघुराज से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बाप ने रमाकांत के साथ कुछ नहीं किया था? मतलब कुछ महीने कुछ उन्होंने किया होगा, तभी तो रमाकांत ने ये सब किया होगा, कुछ इसके बारे में तुम्हें पता है? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, रघुराज ने याद करते हुए कहा, और अगर कुछ भी हो तो मुझे नहीं लगता कि इतनी गहरी दुश्मनी रही होगी, उस कमीने ने बिना मतलब के ही मेरे घर को तबाह किया है। नैना ने कुछ सोचते हुए विक्रांत से कहा, वैसे ही ये जो कुछ भी बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है कौन जाने, हमारे पास कोई सबूत या गवाह तो है नहीं, जो ये कह रहा है वही मानना पड़ेगा, पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ। मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, रघुराज ने बीच में ही बोलते हुए कहा, देखो मैडम मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैं, और यकीन ना हो तो आप मेरी जिंदगी की एक एक घटना सुन के सारी कहानी समझ सकते हैं, और मेरे बाप के बहुत सारे दोस्त भी थे, अगर हमारा बिजनेस ठप भी हो गया था तो भी हम इस तरह से बर्बाद नहीं होते, ये सब रमाकांत अग्रवाल का ही किया हुआ है, उसने ही हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब ये सब कहना तो बहुत मुश्किल है, विक्रांत ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा, तुम्हारे बाप ने भी तो कई शादियां की थी और उसके कई बच्चे भी थे, कर्म तो उसके भी बहुत अच्छे नहीं थे। रघुराज ने गुस्से से भरी निगाहों से विक्रांत को घूरते हुए देखा, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया और फिर उसने कहा, साहब आप मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आप इस हरामी रमाकांत से पूछताछ कीजिए, पक्का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, इसने बहुत सारे कांड किए हैं, आप बस इसको पकड़कर पूछिए, वो बहुत डरपोक है, एक बार में ही सब कुछ बता देगा। क्या क्या डरपोक? अचानक से विक्रांत का ध्यान इस शब्द पर आकर टिक गया। अगर रघुराज की बात सही है और वो सच में इतना हरामी और डरपोक है तो फिर एक बात की और भी संभावना है। अचानक ही विक्रांत के दिमाग में कुछ बात आई और उसने रघुराज की तरफ देखते हुए सवाल किया, रघुराज एक बात बताओ, ये रमाकांत अमीर कब बना, मतलब अचानक से अमीर बना था या फिर शुरू से ही अमीर था? रघुराज से ये सवाल करते हुए विक्रांत के रोंगटे खड़े हो गए। नैना भी विक्रांत का मतलब समझ चुकी थी कि वो रघुराज से ये सवाल क्यों कर रहा है, तो वो विक्रांत की तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे नहीं पता, रघुराज ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। ये शायद 1994 या 1995 की बात है, ये सब बहुत अचानक से हुआ था, उससे पहले तो कोई उसका नाम भी नहीं जानता था। अचानक ही उसने अपना बिजनेस पूरे महाराष्ट्र में फैलाना शुरू कर दिया, एक के बाद एक नई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप खोलने लगा था, और उस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे बाप के बिजनेस को कैसे भी करके बर्बाद कर दो,
मेरे पिता की एक दो बार तो उससे बहस भी हुई थी, लेकिन मुझे अब ज्यादा ढंग से कुछ याद नहीं है कि फिर क्या हुआ था। विक्रांत पीछे मुड़कर नैना की तरफ ध्यान से देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक यूं ही देखते रहे, मानो वो नजरों से आपस में बात कर रहे। ये सही नहीं है, नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। रमाकांत अग्रवाल का जन्म मुंबई में हुआ था और वो अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में ही रहा है। और यहाँ पुसारी से विक्रांत ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन वो कुछ बड़ी गंभीरता से सोच रहा था। नैना भी कुछ पल तक शांत खड़ी रही, वो विक्रांत को सोचने के लिए पूरा वक्त दे रही थी। लगभग दो मिनट की शांति के बाद दोनों की नजरें मिलना बंद हुई और फिर वो इंटरोगेशन रूम से तेजी से बाहर निकल आए। इंटरोगेशन रूम से बाहर आने के बाद विक्रांत ने देखा कि वहां कोई और मौजूद नहीं था, तो उसने थोड़ी तेज आवाज में नैना से कहा, ताकि नैना तक उसकी बात आसानी से पहुंच सके, मुझे लगता है कि अब राघव को थोड़ा ओवर टाइम करना होगा। नहीं, ये रमाकांत काफी फेमस आदमी है, उसके बारे में पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, नैना ने जवाब दिया। और हाँ, मुझे लगता है कि अब हमें एक दो दिन के लिए मंजू का केस छोड़ देना चाहिए, अभी हमारे लिए ये अर्जेंट है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, विक्रांत ने जवाब दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि देखता हूँ नैना तुम कब तक मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करती रहोगी। वो दोनों वापस रघुराज के पास पहुंचे और उससे कुछ और भी सवाल जवाब किए, लेकिन उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर वो दोनों वापस डीए नगर पुलिस स्टेशन आ गए। अब तक शाम के 7 बज चुके थे और ऑफिस से ज्यादातर लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। विक्रांत ने ऑफिस के भीतर घुसते ही मार्कर उठाकर अपने व्हाइट बोर्ड पर रमाकांत अग्रवाल और अशोक का नाम लिख दिया। विक्रांत मार्कर से इन दो नामों के बीच राउंड राउंड करते हुए बोला, क्या पता ये दोनों बंदे आपस में कनेक्टेड हों, अगर ऐसा है तो फिर तो काफी इंटरेस्टिंग केस हो सकता है, हमें फिर से इन दोनों को इन्वेस्टिगेट करना होगा। जब विक्रांत खुद से ये बातें कर रहा था, तब तक नैना के पास रमाकांत अग्रवाल का पूरा डेटा आ चुका था। रमाकांत मुंबई का, पूरे देश का काफी जाना माना नाम है, बिजनेस वर्ल्ड में उसका बहुत नाम है। जितनी तेजी से उसने तरक्की की है वो वाकई में चौंकाने वाली है, इसलिए उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत बड़ी बात है। बस इंटरनेट पर उसका नाम टाइप करने की देर है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ गई। रमाकांत की हिस्ट्री देखने के बाद पता चला कि वो पहले मिलिट्री में काम कर चुका है और कुछ दिन तो उसने पुलिस में भी नौकरी की है। बहुत बाद में वो बिजनेस के फील्ड में उतरा, लेकिन उतनी ही जल्दी उसका नाम मुंबई शहर के सबसे बड़े व्यापारियों की लिस्ट में आने लगा। रमाकांत पहले मिलिट्री में काम कर चुका है और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर चुका है, इसका मतलब उसे पुलिस के काम करने का पूरा तरीका पता है। नैना मन ही मन सोच रही थी कि इस हिसाब से रमाकांत की भूमिका काफी संदिग्ध लग रही है। सबसे पहले वो बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में उतरा था और फिर वहां से वो बिल्डर बना और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक कई सारे बिजनेस शुरू कर दिए। इस वक्त उसका सबसे बड़ा बिजनेस अग्रवाल कॉर्पोरेट के नाम से मशहूर है और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो अपने सारे धंधे हैंडल करता है। विक्रांत ने रमाकांत की पूरी हिस्ट्री ध्यान से देखी तो पता चला कि रमाकांत ने साल 1996 में बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस को शुरू किया था और फिर उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उसने बहुत अयाशी भी की है। साल 1996 मतलब कि किडनैपिंग केस के 2 साल बाद अचानक से रमाकांत के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि उसने नया बिजनेस ही शुरू कर दिया। एक पुलिस वाले या मिलिट्री वाले के पास तो इतने पैसे होते नहीं कि वो अपना नया धंधा शुरू कर दे। राघव, जतिन, सुनिधि के साथ ही टीम बी के भी ऑफिसर देव और अमित भी इस वक्त ऑफिस में पहुंच चुके थे। इन सभी को विक्रांत ने यहां पर केस के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया हुआ था। ये केस बहुत बड़ा था और विक्रांत अकेले नैना के साथ मिलकर इस पर काम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपने खास दोस्तों को भी अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया था, क्योंकि ये किडनैपिंग केस बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वक्त भी काफी क्रिटिकल था, इसीलिए उन लोगों ने भी विक्रांत को मना नहीं किया और सिर्फ एक बार कहने पर ही सीधे ऑफिस पहुंच गए। वैसे नियम के अनुसार किसी भी केस पर काम करने से पहले विक्रांत को अपने सीनियर को केस की सारी अपडेट देनी होती है, लेकिन विक्रांत ने अभी तक इसके बारे में किसी भी सीनियर को इन्फॉर्म नहीं किया था। उसने ना तो पुष्कर को बताया, ना चेतन को और ना ही संगीता को इसकी जानकारी दी। पुष्कर की तो कोई बात ही नहीं है, उससे तो विक्रांत का 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन उसने चेतन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि ना जाने क्यों उसके यहाँ आने के बाद से विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था। अब टीम ए के भीतर का भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि चेतन का व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा है,
आज तक उसकी किसी के साथ कोई बहस तक नहीं हुई है, लेकिन वो काम के मामले में बहुत सीरियस रहता है। काम के समय वो किसी की नहीं सुनता और हर डिसीजन खुद से लेता है। इसी वजह से विक्रांत ने चेतन को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर चेतन उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और वो सारे डिसीजन खुद से ही लेगा। फिर विक्रांत इस केस में बस एक छोटा सा सिपाही बनकर रह जाएगा। इस वक्त विक्रांत को पुष्कर या चेतन से कोई भी डर नहीं लग रहा था। अभी विक्रांत के साथ नैना है, नैना का सपोर्ट होते हुए उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। विक्रांत ये बात अच्छे से समझता था कि चाहे चेतन हो या पुष्कर, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नैना के सामने खड़े भी हो सके। और दूसरी तरफ अभी तक नैना ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो केस पर काम करने में इतना मशगूल थी कि उसे ध्यान ही नहीं था कि विक्रांत ने पुष्कर को इसके बारे में बताया है या नहीं, या फिर उसे पुष्कर और चेतन को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं। इस वक्त पूरी टीम में नैना ही सबसे सीनियर थी, सो वो ही केस पर काम करने की सारी स्ट्रेटेजी बना रही थी। केस के काम को दो लोगों पर फोकस करके डिवाइड किया गया था। पहले तो कुछ लोगों को गजेंद्र ठाकुर के लिए काम करने वाले अशोक के बारे में पता करने के लिए लगाया गया था, बाकी बचे लोगों को मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट रमाकांत अग्रवाल के बारे में पता करने के लिए लगाया गया था। अशोक का नाम किडनैपिंग केस से जुड़ा होना किसी के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट रमाकांत अग्रवाल का नाम इतने बड़े केस के संदिग्ध के रूप में आना बहुत बड़ी बात थी। और जब बाहर सबको पता चलेगा कि रमाकांत अग्रवाल किसी भी किडनैपिंग केस में संदिग्ध पाए गए हैं तो ये काफी बड़ी न्यूज बनने वाली है। इस वक्त सभी पुलिस वाले सीरियस होकर अपने काम में लगे हुए थे। विक्रांत खुद इस वक्त काफी कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहा था। जो भी इन्फॉर्मेशन उसे अशोक या रमाकांत अग्रवाल के बारे में मिल रही थी वो सब कुछ अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट करता जा रहा था। मात्र 2 घंटों में ही उसने व्हाइट बोर्ड पर नई इन्फॉर्मेशन से भर डाला था। विक्रांत को इतना सीरियस होकर काम करते हुए नैना ने पहले कभी नहीं देखा था। पहले नैना विक्रांत के साथ रमेश सावरकर के मर्डर केस पर भी काम कर चुकी है, लेकिन उस वक्त भी विक्रांत इतने डेडिकेशन के साथ काम करता नहीं दिखा था। सही मायने में तो नैना को विक्रांत के इतने डेडिकेशन के साथ काम करते देख जलन भी हो रही थी। उसे इस बात का भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रांत उससे पहले इस केस के मुजरिम तक पहुंच जाए, कहीं वो अकेले ही इस केस को सॉल्व ना कर ले। सुनिधि इसी वक्त विक्रांत के लिए कॉफी लेकर आई। उसने विक्रांत के सामने टेबल पर कॉफी रखते हुए कहा, सर ये आपकी कॉफी, मैंने इसमें 2 स्पून शुगर डाला है। ठीक है, विक्रांत ने सुनिधि के हाथ से कॉफी का कप लेकर अपने सामने टेबल पर रख दिया। इसके बाद वो फिर से व्हाइट बोर्ड पर अपनी नजरें गड़ाकर देखने लगा। आज विक्रांत को थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था। जब से उसे वहां कर्जत की सुरंग में पैसों का बैग मिला था, तब से लेकर आज तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं, सब कुछ एक एक करके विक्रांत की आंखों के सामने किसी फिल्म के सीन की तरह प्रदर्शित हो रही थी। सुरंग में पैसों का बैग मिलने से लेकर अब तक इस किडनैपिंग केस में जो भी क्लू मिले हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि केस दिन पर दिन और पेचीदा होता जा रहा है। विक्रांत को इस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो केस से जुड़ा कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर रहा है। कुछ चीज उसके सामने ही है, फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा है। 26 साल पुराना ये केस अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। किडनैपर ने पैसे कैसे लिए होंगे, पैसे मिलने के बाद भी उसने बच्चों को क्यों मारा, बस के ड्राइवर के साथ क्या हुआ, क्या उसे भी किडनैपर ने मारा था, और फिर पैसे लेने के बाद उसे वहां सुरंग के भीतर कंकाल के साथ क्यों छोड़ दिया गया था, और वो बच्चा नितिन खरबंदा वो इस वक्त कहां हो सकता है। अगर वो अभी तक जिंदा है तो फिर उसकी उम्र 30 साल के करीब होगी, लेकिन वो है कहां, कहीं वो भी तो नहीं मर गया। उस तरह के हजारों सवाल विक्रांत के दिमाग में घूम रहे थे। फिरौती के पैसे, बच्चों के कंकाल, स्कूल वैन ड्राइवर, सुरंग, खदान, इन सब शब्दों का आपस में कोई कनेक्शन सा लगता है। आखिर उस केस की सच्चाई क्या है? जब उस किडनैपिंग केस से जुड़ी हर एक चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी, तभी अचानक से विक्रांत को कुछ समझ आया। उसे कुछ ऐसा मिला जो शुरू से ही उसकी नजरों के आगे था, लेकिन वो उसे देख ना सका। वो क्या, इतने दिन से इस केस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आज तक किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सब इतना उलझा हुआ सा क्यों लग रहा है, कुछ मुझसे छूट रहा है क्या, या मैं जो पहले सोच रहा था वही सही है, विक्रांत मन ही मन सोच रहा था। तभी अचानक से सुनिधि ने उछलते हुए कहा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सुनिधि भागते हुए विक्रांत के व्हाइट बोर्ड के पास पहुंची और वहां पर लिखे अशोक और रमाकांत के नाम पर हाथ रखते हुए कहा, सर सर ये देखे,
ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों एक साथ आर्मी में थे, दोनों पहले आर्मी में सूबेदार रह चुके हैं। सुनिधि ने उत्तेजित होते हुए कहा, अशोक और रमाकांत एक साथ सेना के बटालियन में काम करते थे तो कंपनी कंपनी। अचानक से जतिन ने भी अपनी चेयर पर बैठे बैठे चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था। अशोक की जो मेटल बिजनेस वाली कंपनी है वो पहले रमाकांत की कंपनी अग्रवाल कॉर्पोरेट्स के अंडर में आती थी। बाद में जब अग्रवाल कॉर्पोरेट्स ने अपने स्टॉक्स सेल करने शुरू किए तब जाकर अशोक की कंपनी स्टार कॉर्पोरेशन उसके हाथ में आई। यानी कि पहले ये अशोक रमाकांत अग्रवाल के लिए ही काम करता था। हाँ हाँ, एक चीज और देखो, राघव ने भी बीच में आकर बोलते हुए कहा, देखो अशोक की उम्र 56 साल और रमाकांत की उम्र भी तकरीबन 57 के करीब ही है। दोनों एक साथ आर्मी में काम कर चुके हैं। अशोक माइंस के भीतर ब्लास्ट वगैरह करने में एक्सपर्ट था और रमाकांत के पुलिस डिपार्टमेंट से बड़े अच्छे कनेक्शंस थे। उसे पुलिस के काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने ही मिलकर? नहीं नहीं, विक्रांत ने नकारते हुए अपना सिर हिलाया। ये दोनों भले ही कितने भी शातिर क्यों न हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े किडनैपिंग केस को अंजाम दे सकते। सुनिधि, मुझे तो लग रहा है कि अभी भी काफी कुछ छूट रहा है। अभी हमें थोड़ा और डीप इन्वेस्टिगेशन करना होगा। अभी और कोशिश करो, पता लगाओ कि अशोक और रमाकांत के साथ और कौन कौन आर्मी में साथ था। कहीं और कोई संदिग्ध लग रहा हो तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालो। विक्रांत के इतना कहते ही सभी फिर से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सुनिधि भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। विक्रांत, एक चीज और मिली है, जतिन ने अपने कंप्यूटर की बोर्ड पर चलती उंगलियों को रोकते हुए कहा। मुझे रमाकांत की कंपनी में लगे पैसों के बारे में पता चला। जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया था तब उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो बैंक से लोन लेकर कोई कंपनी शुरू कर दे। जतिन ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि उसे किसी आदमी ने पैसे उधार दिए थे, या फिर हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन से पैसे लेकर उसने अपना बिजनेस शुरू किया हो। उधार, इस शब्द को सुनते ही विक्रांत को सोचने लगा। उसके दिमाग में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रमाकांत और गजेंद्र ठाकुर के बीच कोई उधार की लेन देन भी हुई हो और इसी उधार के चलते उन दोनों के बीच दुश्मनी हुई हो। अच्छा, थोड़ा ये पता लगाओ कि गजेंद्र ठाकुर और रमाकांत अग्रवाल के बीच दुश्मनी किस बात की थी। ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बने? कहीं रमाकांत ने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए गजेंद्र से ही तो पैसे नहीं लिए थे? और फिर हो सकता है कि बाद में उन दोनों के बीच पैसों को लेकर कोई लड़ाई हो गई हो? विक्रांत ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी पता करो। क्विक जल्दी पता करो। नैना ने भी ठीक विक्रांत के शब्दों को रिपीट कर दिया। नैना की आवाज सुनकर एक पल के लिए जतिन चौंकी उठा लेकिन फिर तुरंत ही अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें गड़ाकर काम करने लग गया। वैसे भले ही नैना विक्रांत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी लेकिन उसके काम करने के तरीके और उसकी स्किल से बहुत प्रभावित थी, इसीलिए वो अभी भी उसे सपोर्ट कर रही थी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी जब नैना और विक्रांत रमेश सावरकर मर्डर केस पर काम कर रहे थे तब भी नैना विक्रांत के विचारों से पूरी तरह सहमत होकर काम कर रही थी।